करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौराणी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभाय सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्ता विहीन अपराध लक्षय कमादि तरंग मध्य कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंदम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण बंदन जहाय ते विघ्ननाथ अभीष्ट पुराण तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवतम स्वरूपम जम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतयातर वो विनेदुम स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठा के बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 आप लोग बोलो मैं सुनूंगा जोर से हरे पीछे बोले मैं आता हूँ की आवाज नहीं आ रही ये सामने सामने बच्चों का आवाज आ रही है और एक बार जोर करके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्री माद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्री माद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किया था। आप बता सकते हो छह प्रश्न में कोई एक प्रश्न कौन बोलेगा हाथ उठा बोलो। हाँ इनके लिए ताली बजा। तुम लोग कोई भी नहीं बोल सकते आत्मा को शांति कैसे मिलेगी बोलो। दूसरी प्रश्न क्या है और किसको याद है कलि युग में भगवान को पाने का हाँ सबसे सरल उपाय क्या है। हाँ अच्छी बात है इसलिए हाँ इसलिए इसलिए आत्मा को शांति कैसे मिलेगी तब उन्होंने इसका उत्तर देते हैं बोले सबई पुंसा जत भक्ति रथक सजे आहै तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीद्धति बोले तभी ये आत्मा को संपूर्ण तभी शांति मिलेगा जब ये जीवात्मा
और प्रभु की प्राप्ति के बगैर बच्चे खेलना नहीं, चुपचाप बैठा। इसलिए जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करता है तब तक जीव को कभी शांति मिल नहीं सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने 7 उदाहरण देकर बताए। मैंने कल बताया था ना कि पेन कापी लाना, कौन लाए हो? कोई भी नहीं लाए, खाली हाथ में आ गए। इसलिए उन्होंने 7 उन्होंने उदाहरण की दे करके बताए। वो कहते हैं भले बारी मत है घरी सिकता ते बरुतेल बिनो हरि भजन न सिद्धांत अपेल। उदाहरण देते हैं अगर कोई बोले पानी को मंथन करते करते घी निकाल दिया, बताओ घी निकलेगा? नहीं। कदर मैं ये चीज को मान लेता हूँ, भले कोई पानी को मंथन करते करते घी निकालते, अगर रेती को पीसोगे तेल निकलेगा कि नहीं? नहीं। कद इसको भी मैं विश्वास कर लेता हूँ। कोई बोला आकाश में फूल खिल रहा है, कभी देखे हो आकाश में फूल खिलते हुए? बोले इसको भी मैं मान लेता हूँ। अगर कोई बोले कछुआ के पीठ के ऊपर बाल आ गया, कभी देखे हो? बोले असंभव है। बोले इसको भी मान सकता हूँ। कोई बोले खरगोश के सींग उग गया, कभी देखे हो खरगोश के सींग? बोले असंभव, बोले इससे भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले बर्फ के ऊपर में आग जल रही है, कभी संभव है? बोले इसको भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले बांझ का बेटा हो गया, कभी देखे हो बांझ का बेटा हो गया? तो उन्होंने ये 7 उदाहरण दे करके बताए, ये 7 असंभव कभी संभव हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करता, हम तो बड़े खुश हुए संसार में, गोस्वामी जी कहते मैं कभी ये चीज को विश्वास नहीं कर सकता हूँ। बिनु हरि भजन न भव तरी, और ये सिद्धांत अपेल। बगैर भगवान की भक्ति किए हुए रावण जैसे व्यक्ति हम सोचते हैं शायद ज्यादा पैसा होने पर सुखी हो जाएंगे। कितना पैसा तुम्हारे पास में? कितना सोना होगा बताओ? 10 किलो सोना है, 20 किलो, 100 किलो किसके पास में? रावण का पूरा लंका ही सोना ही सोना है, सोना की पूरा लंका उसकी थी। पत्नी कहते अगर कोई अच्छी छोरी से शादी हो जाए, सुंदर से आप सुखी हो जाएंगे। उसकी पत्नी का नाम थी मंदोदरी। मंदोदरी मतलब क्या? जिसकी कमर बड़े पतली है, वो विश्वकर्मा की बेटी थी। रामायण पढ़ कर देखे ना, हनुमान जब माता सीता को ढूंढने के लिए गए ना, उनने मंदोदरी को देख कर तो भ्रमित हो गई, यही तो माँ लक्ष्मी नहीं? इतने सुंदरी थी, एक से एक सुंदरी उसको पास में, जहां से कहीं उसकी सुंदरी लड़की मिली स्वर्ग लोक में मोह लोक में पकड़ पकड़ कर गंधर्वियों को अपनी पत्नी उसने बनाया। कहता अगर अच्छे बेटे हो जाए सुखी हो जाएगी, मेघनाथ जैसे आज्ञाकारी बेटा, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख जितना नाती, जिसकी घर में अग्नि स्वयं कपड़ा धुलाई करती है, वायु स्वयं झाड़ू लगाता है। रामायण देखे हो, जिसको प्यार के नीचे काल को दबा करके बैठा हुआ, जिन जिन देवताओं को हम पूजा करते हैं घर में बंधे पड़े हुए, ब्रह्मा रोज जिसको घर में वेद पाठ सुनाता है, ऐसे लंकाधिपति रावण। लेकिन वो शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा कदा सुखी भवा, कब मेरे को शांति मिले? शांति हृदय में शांति नहीं, क्यों? कारण है भगवान की भक्ति नहीं करता था, भजन नहीं करता था। लेकिन लंका में केवल एक व्यक्ति चैन से जी रहा था और सबके सब बेचैन में थे। बताओ तो कौन चैन में जी रहा था? कौन जी रहा था? विभीषण। बोले कारण क्या है? भगवान राम को भक्ति करता था तभी वो चैन से जी रहा था। शिक्षा देते हैं वही व्यक्ति चैन से जिएगा जो प्रभु राम की शरण में आएगा, और जो प्रभु राम की शरण में नहीं आएगा ना, हनुमान ने पूरा लंका को जला करके राख बना दिया। लेकिन एक व्यक्ति का घर को उसने छोड़ दिया। किसकी घर को छोड़ दिया? विभीषण को घर को छोड़ दिया। बोले क्यों? वो राम का भजन करता था। शिक्षा देते हैं जो व्यक्ति प्रभु की शरण में जाएगा ना वही बच्चा रहेगा, और जो प्रभु की शरण में नहीं जाएगा, तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो, तुम्हारे घर में आग हनुमान जी लगा देंगे। हनुमान जी कौन है? शंकर जी। इसलिए अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो क्या करो? भगवान की भक्ति करो, भगवान की
भजन करो, भगवान की भजन के बगैर कभी सुखी रह ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान की भजन करो। आप बोलोगे भाई तो हम तो भजन कर ही रहे, बताओ कौन ठाकुर को भक्ति नहीं करता, सब करते हो कि नहीं? लेकिन अभी प्रश्न हमें फिर शांति क्यों नहीं मिल रही, हमारे अंदर में कुछ कमी है। बोले क्या कमी है, वो कमी को यहाँ पर बताते हैं। पहला नंबर है जो भक्ति है ये अहेतुकी निष्काम भक्ति होनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति कैसे, जैसे ठाकुर के पास में गए 10 रुपया के फूल नहीं तो 10 रुपये के बताशा लेकर गए ठाकुर को चढ़ाया, लेकिन उसको साथ में एक पर्ची भी रहेगा कम से कम 10 करोड़ की होगा। ठाकुर जी इसलिए 10 रुपया की प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, हमारे घर में बेटा का नौकरी नहीं, नौकरी लगा दो, बेटी की अभी तक शादी नहीं हो रही, सामने वाले घर देखो 3 मंजिल हमारी अभी 1 मंजिल में, दूसरे व्यक्ति गाड़ी में घूमे थे अभी हम साइकिल में घूम रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी को मतलब ठाकुर जी इसलिए 10 रुपया का चीज चढ़ाया, अब आकर के हमारे घर नौकरी करो, नौकर बन करके गाड़ी वाड़ी सब हमारे घर में ठीक कर दो। कहते इसको भक्ति नहीं कहते, तो तुम्हारे बिजनेस हो गया, ठाकुर को तुम नौकर बनाना चाहते, भक्ति ऐसे नहीं होनी चाहिए। भक्ति होनी चाहिए निष्काम भक्ति होनी चाहिए। जब भगवान के निष्काम होकर के भक्ति करोगे तुमको मांगने का जरूरत नहीं, ठाकुर सब जानते हैं। कितना करते हो तुम कन्या, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। जब भगवान के निष्काम होकर भक्ति करोगे भगवान ही तुम्हारी बन जाएंगे, ठाकुर जी को बोलने का जरूरत नहीं, ठाकुर जी अपने आप सब काम को कर देंगे। हैं इसलिए नरसिंह भगत का नाम सुने होंगे, उसके घर में बेटी थी शादी होने की, लेकिन दिन भर तो प्रभु का भजन करता है, बेटी को कौन शादी करेगा, कृष्ण स्वयं सावरिया सेठ बन करके जाते हैं, ऐसे धूमधाम से शादी कराए ना अरब खरब पति भी शादी नहीं करा सकते। इसलिए भगवान की भक्ति करने से ठाकुर जी अपने आप सब तुम्हारे काम कर देंगे, मांगने का कोई जरूरत नहीं, मांगने का कोई जरूरत नहीं। जैसे देखो कोई व्यक्ति को देखते ही तो तुम कोई चीज मांगना शुरू कर दो, देखते ही कोई चीज मांगना शुरू कर दो, क्या होगा, अगर वो व्यक्ति तुमको दूर से देखेगा ना रास्ता कट जाएगा, क्योंकि देखने पर फिर मांगेगा। अगर ठाकुर जी को रोज रोज मांगोगे ना ठाकुर परेशानी हो जाएगी, जब आता है कि हमसे मांगता है और तुमको देखते ही ना दूसरे रास्ते में चले जाएंगे ठाकुर जी। एक होता है भक्ति निष्काम, और दूसरी भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले निरंतर जमयी भक्ति होनी चाहिए। मतलब है जैसे शहद कैसे डालो ना, देखना उसमें के धागा बन जाती है, उसमें के धागा बन जाती है। भक्ति ऐसे होनी चाहिए, कंटिन्यू तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए, भक्ति में कोई बाधा नहीं हो, हर समय प्रभु की भजन करते रहो। आप बोलोगे हम थोड़ी बाबा है दिन भर माला लेकर बैठेंगे, आप लोगों का कोई काम धाम नहीं, आप तो घर में आप लोग दिन भर प्रभु का भजन करो, हमारे तो घर गृहस्थ ना बीवी बच्चे हमारी संसार है, हमको तो काम धाम, हम दिन भर थोड़ी माला लेकर बैठेंगे। देखो ये चीज समझो, कहते दिन भर माला लेकर के बैठने का जरूरत नहीं। इसलिए जो कुछ करो अपना हाथों में ठाकुर का सेवा मान कर करो। घर में क्या करते हो, घर में झाड़ू लगाती हो, कपड़ा धोती हो, रसोई बनाई, यही तो करती हो ना। इसलिए जो कुछ घर में करो ठाकुर का सेवा मान कर करो। जैसे गोपियां वो भी तो घर में ही थी, भागवत में देखो जिन जिन का कथा सुनोगे ना, कोई त्यागी संतों की बात नहीं है, इसमें ध्रुव जी की कथा, प्रह्लाद की कथा, अंबरीश की कथा, भरत महाराज की कथा, ये सब गृहस्थ है, ये सब के सब घर में ही रहते थे, लेकिन जो कुछ करते थे ठाकुर को सेवा मान कर करते थे, हाथों में काम करते थे और मुंह में ठाकुर जी के नाम लेते थे, बस हो गया। गोपियां भी घर में थी, घर में झाड़ू लगा देती, जैसे हाथ में तो झाड़ू लगा देती लेकिन मुंह में क्या बोलती थी, बोले गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती। कृष्ण है राधव गोविंद
किया और मुंह में ठाकुर जी की नाम ले दी, बस भक्ति हो गया और क्या, बस और कोई ज्यादा परिश्रम की कोई जरूरत नहीं। इसलिए बोले भगवान की भक्ति करो तभी जीवन में शांति मिलेगी। उनका जो दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनां नृप निर्णित हरि नामानुकीर्तनम्। बोले एतत् निर्विद्यमानानां, कहते कलयुग में भगवत प्राप्ति की नाम कीर्तन। एक बार सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण अब लोग भी बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले ये हरि नाम किसको किसको करनी चाहिए, बोले एतत् निर्विद्यमानानां, कहते अगर कोई बोले हम संसार की माया में पड़े हुए दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं इसलिए भगवान के नाम जप करेंगे, बोले नहीं, बोले जो मुक्त महापुरुष भी भगवान की ही नाम को लेते हैं। हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, हनुमान भी प्रभु का नाम करते हैं। बोले श्री शंकर जी क्या करते हैं, बोले पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर भी पंचमुख में ठाकुर जी की नाम को। ब्रह्मा जी देखना एक हाथ में माला है, ब्रह्मा भी ठाकुर की नाम जप करते हैं। सरस्वती को चार हाथ में देखना एक हाथ में माला, वो भी ठाकुर जी के नाम करती है। माता देवी को आठ हाथ में एक हाथ में देखोगे एक माला है, कभी ये माता। जितने ऋषि मुनि शास्त्र वेद पुराण है ये सबके सब एक ही बात ही बताए, कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है ठाकुर जी की नाम कीर्तन ही। कलयुग में एक उपाय है, देखो ध्यान देकर सुनो, बोले जिस समय ये रामायण ग्रंथ लिखी गई, कभी ये रामायण ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक है, कितना श्लोक है, कितना लाख श्लोक था, 1,00,000 श्लोक था। अभी 1,00,000 से रचना की उनको पास में चलते हैं, बोले रचना किसने की, बोले ये शंकर जी ने। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं स्वयं शंकर जी अपना हृदय में पहले ये रामायण को रचना करके रखे, बोले शंकर जी को पास में, शंकर जी बोले देखो लड़ाई मत कर तीनों बैठ जाओ, तीनों को मैं आपस में बांट दूंगा, सबके सब बैठ जाओ। तो 1,00,000 श्लोक था, तो उन्होंने 1,00,000 श्लोक को उन्होंने 30,000 उन्होंने 30,000 बांट दिया। अब बताओ कितना बाकी रह गया, अरे बोलो कितना बाकी रह गया, 10,000 बाकी रह गया। फिर 10,000 को उन्होंने बांटे 3,000, 3,000, 3,000, फिर कितना बाकी रह जाएगा, बोलो जोर से 1,000। फिर उन्हें 1,000 को भी बांटे 300, 300, 300, फिर कितना रह जाएगा 100। फिर 100 को भी बांटे फिर 30, 30, 30, फिर कितना रह जाएगा 10। फिर 10 को लेकर लड़ाई हुई, फिर उन्हें 3, 3, 3 बांट दिया, कितना रह जाएगा 1। जब 1 रह गया, फिर 1 श्लोक को लेकर भी लड़ाई हुई, ये हमें मिलनी चाहिए शंकर जी। फिर 1 श्लोक में 4 चरण होता है, समझते हो 4 चरण क्या होता है, जैसे गीता का पहला श्लोक है बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये 1 चरण है। बोले सम वेद जुजुष्टवा, बोले ये 1 चरण है। बोले मामका पांडवाश्चैव, ये 1 चरण है। बोले कीम अपूर्वन संजय, ये 1 चरण। गीता तो पढ़ते नहीं हमको क्या पता चलेगा, इसलिए ये 1 श्लोक में 4 चरण है। फिर उन्होंने 4 चरणों को उन्होंने 1 चरण 1 चरण बटवा दिया, रह गया 1 चरण। 1 चरण में होता है 8 अक्षर है, फिर 8 अक्षर को लेकर लड़ाई, ये हमें मिलनी चाहिए। फिर शंकर जी 2 अक्षर 2 अक्षर 2 अक्षर बांट दिए, अभी कितना बाकी रह जाएगी 2। शंकर जी बोले देखो मैंने इतना परिश्रम किया है, ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दूंगा, ये 2 अक्षर मुझे मिलनी चाहिए।
इसलिए शंकर जी ये दो अक्षर क्या है, कृष्ण नहीं तो राम, उन्होंने शंकर जी अपना कंठ में ये प्रभु का नाम को उन्होंने धारण कर लिया। इसका तात्पर्य यह है, अगर हमने सारे ग्रंथों को मंथन करेंगे, अगर उसमें जो मक्खन निकलेगा ना, वो ठाकुर जी के नाम ही है। अगर किसी ने ठाकुर जी के नाम को जप कर लिया ना, समझो अपने वेद पुराण इतिहास सबने तुमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन तुमने सारे ग्रंथों को पढ़ डाले, लेकिन ये भगवान के नाम ही तुम नहीं कर रहे हो, समझो सब कुछ तुम्हारी बेकार है, वो पढ़ना धरना सब कुछ तुम्हारी बेकार है। इसलिए अगर ठाकुर का नाम जब कर लिया ना, समझो जीवन में तुमने सब कुछ कर लिया। मैंने कल बताया था, जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम करते हैं उनको तीन लाभ होता है, तीन फायदा मिलेगा। किसको याद है, जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा, किसको याद है? भगवान के नाम करने से तीन काम हो जाता है, किसको याद है? देखो इधर नोट देख रहे हैं, किसको याद है बोलो, और कौन बोलेगा? अब लोग कोई याद नहीं करते हो। देखो पहला लाभ है, कहते जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले रजिस्टर लेकर उसका नाम को काट दो, किस लिए? वो भगवान का नाम ले रहा है, वो कभी नरक नहीं आएगा। दूसरा लाभ क्या है, कहते गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बोलती है, बोले रजिस्टर ले आ, इसका नाम को इसमें लिख दे। बोले किस लिए? बोले भगवान का नाम जब करता है ना, सीधा मेरे धाम में आएगा, सीधा मेरे धाम में आएगा। तीसरा लाभ क्या है, बोले मैंने याद दिलाया, तीसरा लाभ क्या है बोलो? हाँ, ये बच्चे के लिए ताली बजाओ, तुम लोग कोई कुछ याद नहीं रखते हो। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती का थाला सजाते हैं। बोले क्यों? बोले भगवान का नाम जब कर रहा है ना, वो सीधा जो भूर भुव मोह जन सत्य लोक में आएगा, मैं इसको आरती, उसको मैं आरती उतारूंगा। इतने लाभ है जो व्यक्ति भगवान के नाम को ग्रहण करता है, इतने लाभ ठाकुर जी के नाम जप करने का। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते, बोले हे अर्जुन मेरे नाम को कौन ले सकता है? बोले पापी तो ले नहीं सकते, दिन भर भले ही इधर उधर बात करते रहेंगे, लेकिन भगवान कहते मेरे नाम को जप नहीं करेगा, हजार बहानबाजी बनाएगा। लेकिन कृष्ण अर्जुन को कहते हे अर्जुन, बोले जने पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चन, वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने मेरी सेवा पूजा की है, उसी व्यक्ति की मुंह में मेरे नाम उच्चारण होता है, नहीं तो मेरे नाम को जप नहीं कर सकता वो व्यक्ति। इसलिए जब श्री नारद जी 10 रत्नाकर को, जो वाल्मीकि पहले 10 रत्नाकर थे, उसको बोले बोलो राम, बोलो बोलो बोलो, लेकिन उसको मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा, क्यों? पापी था ना। इसलिए पापियों को मुंह से भगवान के नाम नहीं निकलती है, पुण्यात्मा का जीवा से प्रभु की नाम निकलती है, हैं? इसलिए कहते उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, कहते नाम लेत भव सिंधु सुधाई विचार करह सुमन मन माही। अगर वाल्मीकि अगर 10 रत्नाकर मरा मरा करते करते राम राम हो गया, अगर वो 10 रत्नाकर से वाल्मीकि बन सकता है, अगर हम सीधा नाम लेंगे तो क्या नहीं बन सकते हो? कभी जमीन में बीज बोए हो? कौन कौन जमीन में कभी बीज बोए, हाथ उठा तो आप देखना, जैसे गेहूं का खेती होता है ना, किसान क्या करता है, वो बीज को लेकर जमीन में ऐसे ऐसे फेंक देता है, देखे कि नहीं फेंकता है। लेकिन जब जो पेड़ होता है कैसे, भले ही वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े, लेकिन पेड़ जब होता है कैसे होता है बोलो, कैसे होता है? सीधा होता है। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, अगर तुमने किसी तरह से भी प्रभु का नाम ग्रहण करोगे, इसका जो फल है ना, कभी उल्टा नहीं होगा, कभी उल्टा नहीं होगा, उसका फल पूरा के पूरा सीधा होएगा। इसलिए बोले राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान भी अपना नाम की महिमा को ठाकुर जी भी नहीं गा सकते हैं, इतने महिमा। इसलिए एक बार मेरे साथ हाथ उठा कर बोलो, सबके सब जोर जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो,
कृष्णा हरे कृष्णा जोर जोर से हरे 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 राम हरे राम 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 हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय 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 श्री राधे। मेरे पीछे पीछे दो मिनट ठाकुर का नाम जप करो, ठीक है। देखो जितने आप भक्त बैठे हैं ना, जब भगवान के नाम ग्रहण करोगे, हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे, जैसे कि पत्थर उठाओ आप पानी में फेंको, बताओ तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, पत्थर उठाकर पानी में फेंको तो उसमें लहरी आएगी, है ना। जब भगवान के हम नाम जप करेंगे, इसका जो शब्द ब्रह्म है, इसका जो लहरी जितने दूर तक इसकी आवाज जाएगी, ऊपर तो उन्होंने माइक भी लगा लिया है, यहाँ पर जितना आवाज मैंने सुना बाहर उससे ज्यादा आवाज आ रही है। इसलिए जब इसकी नाम का ध्वनि जितने दूर तक जाएगी, शास्त्र कहता है बोले सर्व रोग उपशमनम, जितने रोग है समस्त रोग तुम्हारी सही हो जाए, बड़े से बड़े व्याधि भी ठाकुर जी के नाम से ये दूर हो जाता है। भगवान की नाम में इतने शक्ति है। देखो आपको सही सही घटना सुनाता हूँ। हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य थे, वो क्या करते, नौकरी कर रहे थे, डॉक्टर ने बोला तुम्हारी कैंसर हो गया है, 6 महीना भी तुम जिंदा रहोगे। उसने क्या कि बोले जब 6 महीना रहूंगा, उसने क्या किया, नौकरी को छोड़ दिया, जब 6 महीना रहूंगा, फिर जो माला में ना, ये माला में उसने 1,00,000 बोले 64 माला जप करना शुरू किया। जब ठाकुर का नाम जब शुरू किया, जानते हो कितना दिन तक जिंदा रहे, 70 साल तक जिंदा रहे। उसको बाद में भी जो 6 महीना में जो मरने वाले थे, ठाकुर का नाम के प्रभाव से उसके बाद 16-17 साल तक करके 80 साल तक जिंदा रह करके शरीर छोड़े। इसलिए कहते सर्व रोग उपशमनम, सर्व व्याधि उपशमनम, समस्त व्याधि रोग दुख कष्ट क्या होता है, भगवान के नाम से दूर हो जाती है। बोले शांति दम, भगवान के नाम से शांति मिलती है। बोले हरे नामानु कीर्तनम, हरि के नाम कीर्तन से। इसलिए आप लोग मेरे पीछे पीछे सबके सब मीठी मीठी ताली बजा करके सबके सब ठाकुर का नाम जप करना। जो नाम करेगा उसका तो पाप तो ऊपर उड़ जाएगी, जो करेगा नहीं उसको सिर पर बैठेगी। इसलिए जोर जोर से करना, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
hari 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 लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राम। वदन्ती तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानाङ्गमद्वयं ब्रह्मति परमात्मति भगवानिति शब्दति। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं सौनकादृशियों, देखो ये चीज को अच्छे तरह से समझो, बढ़िया तरह से दिमाग में बैठाना, ठीक है क्या? तो भगवान एक ही है, भगवान एक ही है ना, लेकिन भगवान तो एक ही है। अच्छे तरह से आप लोग भी, पुरुष लोग भी समझो, माताएं तो बढ़िया से समझो, एक ही भगवान है लेकिन उनको तीन भक्त है और उनका तीन स्वरूप है। कहते उनको क्या स्वरूप है, बोले जो ज्ञानी भक्त है वो भगवान को दूर से एक निराकार निर्विशेष एक ज्योति रूप में दर्शन करता है। अगर उनको पूछो बोले भैया भगवान कैसे हैं, बोले भगवान तो निराकार है, भगवान का रूप नहीं गुण नहीं, वो तो एक ज्योति स्वरूप है। बोले तुम क्या चाहते हो, बोले ये परमात्मा को, जीवात्मा को परमात्मा में लीन कर दो। ये एक पथ है जिनको कहते ज्ञानी, जो निराकार वादी। दूसरा व्यक्ति है जो भगवान को समझते हैं, भगवान कौन है बल ये परमात्मा है, उनको एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा रूप में ये जोगी लोग अपना हृदय में उनको ध्यान करते हैं। कहते तीसरे तरह के जो व्यक्ति होते हैं, कहते जिनको कहते हैं भक्त, बल ये लोग भगवान को कैसे पूजा करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण है, जैसे लड्डू गोपाल तुम्हारी घर में है, जैसे जैसे हमारे भगवान राधा कृष्ण है, जैसे भगवान सीता राम है। कहते ये इनको कौन पूजा करते हैं, बोले उनको भक्त लोग, जैसे हनुमान जी किसको पूजा करते थे, हनुमान जी राम को, मीरा किसको पूजा भजन करती थी, कृष्ण को, गोपिया किसको भजन करती थी, कृष्ण को, तुलसीदास किसको भजन करते थे, बोलो राम को, भगवान राम को। कहते ये भक्त है, हैं? अभी अच्छे तरह से चीज को समझो, क्योंकि कभी कभी हमारे जो हिंदू लोग है ना, वो बेचारे भोले भाले शास्त्र तो पढ़ते नहीं, कभी कभी पता नहीं किसकी चुंगल में फंस जाते हैं। कहते भगवान तो निराकार है, और निराकार ही निराकारी कहते भगवान को, हैं? देखो ये चीज को सुत गोस्वामी अच्छे तरह से समझाए, हैं? अच्छे तरह से ये चीज को समझाए, बढ़िया तरह से।
कहते एक ही भगवान, उनका तीन प्रकाश है, तीन तरह का भक्त है, एक ज्ञानी, एक योगी और एक भक्त। बोले क्या सबके सब बराबर है? बोले नहीं, सबके सब बराबर नहीं। एक उदाहरण देकर समझाए, आप भी समझो और किसको उदाहरण देकर समझा सकते हो। इसने कुछ मुंह से कोई बोली नहीं निकली, कुछ बोल दिया तो चुप हो गई। कोई बोल दिया भगवान निराकार है, तुम भी उसको मान ली। अगर भगवान निराकार होते तो तुम कहां से आ गए बताओ? निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं। अब बताओ तुम्हारी पिता माता है कि नहीं तुम्हारी? तुम तो वैसे कहीं से टपक नहीं पड़ी ना, तुम्हारे तो कोई पिता माता होंगे तभी तो हुए। तुम्हारी पिता माता को पूछो, उसका भी तो कोई पिता माता होगा। उसको पिता माता को पूछो, उसको भी तो कोई पिता माता होगा ना। आप देखना कभी कभी कहते हैं, देखो ये बच्चे को अंदर में इसकी माँ की सूरत आई, बोलते ना कभी कभी। कभी कभी देखो ये बच्चे में इसके पिता की सूरत आई, नहीं तो उसके दादा की सूरत आए। कभी कभी देखना बच्चे को अंदर में ये पिता माता दोनों मिल करके कहते ना, इसके अंदर में पिता माता दोनों का रूप आई कि नहीं? अगर हमारे पिता माता नहीं हो तो तुम कहीं से आते? तुम्हारे पिता माता है तभी तो तुम आए ना। अगर हमारी कोई पिता माता नहीं होते, अगर तुम्हारी पिता निराकार होता, हम कहीं आ सकते थे बताओ? कहीं आ सकते थे कि नहीं? नहीं आ सकते थे ना। लेकिन हमारी पिता माता है तब भी हम लोग कहीं से आए। इसलिए हम कहते हैं ना, तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्रविण तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। अब लोग इसको सुने होंगे, किसको कहते हैं तुमैव माता च पिता तुमैव? कौन है ये? कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, पिता अहमश्च जगत धाता माता पिता मह। हे अर्जुन, जगत का पिता माता भाई बंधु मैं हूँ, ये कृष्ण खुद कहते हैं। इसलिए हमारी पिता माता कौन है? भगवान राम है, भगवान कृष्ण हमारी पिता माता हैं। इसलिए कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, अर्जुन जगत में जितने जीव, अच्छे तरह से समझो, दूसरों को भी उत्तर दे सको, ऐसे नहीं तू भी निराकार मानने लग गए भगवान को, अच्छे तरह समझो। इसलिए मेरे से जितना दूर हो सकता है भागवत में जैसे समझाया, मैं कोशिश करता हूँ तुमको समझाने के लिए, तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए। कभी भगवान को तुम भी निराकार बनना शुरू कर दो। कृष्ण हमारी मूल ग्रंथ क्या है? हमारे मूल ग्रंथ हिंदुओं का क्या, कौन सा ग्रंथ है? गीता है, ये हमारी मूल ग्रंथ है। भगवान खुद कहते हैं गीता में, हे अर्जुन जगत में जितने जीव है ममई बांस, मेरे बच्चे हैं, कृष्ण कहते हैं। अब रामायण में पढ़ो, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुखरासी। कहते जगत में जितने जीव है ये कौन है? ईश्वर अंश, सबके सब ईश्वर की अंश हमें, भगवान की संतान हम हैं। यहाँ तक भी अगर मुसलमान का ग्रंथ पढ़ोगे ना, कुरान कहीं पढ़ करके देखना, वहां पर भी भगवान को निराकार नहीं बताया। वहां पर बताया अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया, ये कुरान में लिखा हुआ ये बात है। आप बाइबल पढ़ो, क्रिश्चियन का ग्रंथ है, वहां पर लिखा हुआ है गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये कुरान में लिखा, ये हमारी बाइबल में लिखा हुआ, ये क्रिश्चियन की ग्रंथ में लिखा हुआ, भगवान ने अपना जैसे उन्होंने इंसान को अपना जैसे बनाया, हाँ अपना जैसे बनाया। इसलिए जैसे भगवान राम कृष्ण देखे कि नहीं? आप लोग देखे हो ना, कृष्ण की कितना आंखें हैं? दो आंखें ना। राम की कितना आंखें हैं? दो हैं। और उनके देखना जैसे आंखें हैं, हमारी भी आंखें भी वैसे है। भगवान के राम के दो हाथ है, हमारे कितना हाथ है? दो ही हाथ है। कृष्ण का भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ है। भगवान के 32 दांत, हमारे कितना दांत है? 32 दांत है। देखना भगवान राम और कृष्ण देखने में जैसे हैं, हम ठीक वैसे ही, हम लोग ठीक ऐसे कि नहीं? बोलो ऐसे कि नहीं? ना तुम निराकार हो, आप बताओ भगवान हमारे निराकार है? भगवान भैया क्यों घूम रहे, चुपचाप बैठे हो? इसलिए यहाँ पर भगवान निराकार नहीं है, भगवान के आकार है, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। भगवान अगर निराकार हो तो हम कहां से टपक पड़ते? इसलिए भगवान कभी निराकार नहीं, भगवान जी वो आकार विशिष्ट भगवान है, भगवान निराकार नहीं, ये चीज को समझो। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं वो एक ही ब्रह्म है,
लेकिन उनको तीन प्रकाश है, हाँ तीन प्रकाश है। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे देखो आप लोगों ने सूरज को देखे हो कैसे है, लगता है जैसे कोई अग्नि, लेकिन इस सूरज का आप कभी मूर्ति देखे ना, उनकी नौ घोड़े हैं, उनका पत्नी है, उनका परिवार है, घोड़े और रथ के ऊपर में सूरज रथ के ऊपर बैठते हैं, हैं बैठते हैं, इसलिए सूरज देखने दूर से क्या लगता है केवल एक ज्योति स्वरूप है, लेकिन ज्योति नहीं, उसका अंदर में उनकी रूप है, लेकिन हमारी दृष्टि शक्ति इतने है ही नहीं जो कि उनकी असली स्वरूप को देख सके, इसलिए हमें दूर से क्या लगता है एक ज्योति स्वरूप हमें दिखती है, हैं ज्योति स्वरूप दिखती है, जैसे कि लाइट है, बहुत दूर से देखो एक लाइट को, दूर से क्या दिखता है एक प्रकाश चुपकर दिखता है, लेकिन जब थोड़ा पास में जाओगे ना देखो एक बल्ब वहां पर है, लेकिन थोड़ा और नजदीक जाओगे उसको अंदर में और कुछ देखोगे, लेकिन एकदम जब नजदीक में जाओगे ना देखोगे कहीं पावर हाउस से वहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई होकर के वहां पर आ रही है, लेकिन हमें दूर से क्या दिखता है केवल दूर से एक ज्योति स्वरूप दिखता है, इसलिए कहते भगवान हमारे कृष्ण इतने सुंदर ठाकुर जी, भगवान राम इतने सुंदर ठाकुर जी, लेकिन दूर से इतने प्रकाश है ठाकुर जी को, हम केवल ज्योति रूप में हम दूर से दिखता है, लेकिन जब पास में जाओगे ना देखो क्या देखोगे, कृष्ण को देखोगे, भगवान राम को दर्शन करोगे, हैं। तब यहाँ पर एक उदाहरण दिया, कहते उनका तीन भक्त, एक ज्ञानी, एक जोगी और एक भक्त, कहते ये क्या बराबर है, तब इसको उदाहरण देकर समझाए, जैसे आम का सीजी, बड़ी सुंदर दशहरी आम, चौसा आम मार्केट में आया, एक राजा ने एक सेवक को बोले, बोले भैया देख करके आओ, तो मैंने सुना सुंदर आम कहीं से आया है, एक सेवक गया देखा दूर से बड़े सुंदर सुंदर पीले पीले रंग के आम है, उसको देखा वापस आ गया, बोले महाराज बड़ा सुंदर पीले पीले बड़े सुंदर आम है, हम देख करके आए, उन्हें दूसरे सेवक को भेजा, वो तो केवल दूर से देखा, दूसरा सेवक को पास में गया, पीले पीले रंग देखा, स्पर्श किया तो पक्का हुआ, सूंघा तो बड़ी खुशबू है, वो भी वापस आ गया, राजा ने पूछा तुमने आम देखे हो, बोले महाराज बड़े सुंदर आम मैंने देखा, पक्का हुआ, बड़ा सुगंध है, राजा ने तीसरे सेवक को भेजा, भैया तू देख कर क्या, तीसरे सेवक भी गया देखा, बड़े सुंदर आम है, सूंघा भी, बोले 5 किलो आम दो, उन्होंने 5 किलो आम लाए, अच्छे ठंडा पानी में भिगवाया, ठाकुर जी को उन्होंने आमुनिया करके ठाकुर जी को तुलसी दल से भोग लगाया, जब उसने आम खाया देखा बड़ा स्वाद सुस्वाद है, बड़ा मीठा आम है, राजा ने पूछा भैया आम कैसे हैं, बोले महाराज बड़ा मीठा आम है मैं खा करके देखा है, देखो ये आम तीनों को मिला कि नहीं, बोले तीनों को मिला कि नहीं, आम मिला, लेकिन सबको क्या बराबर मिला है नहीं, ये चीज को समझो, जो केवल दूर से देख करके वापस आ गया, कहते वो कौन है, बोले एक ज्ञानी है जो भगवान को दूर से केवल एक निराकार रूप में देखता है और कुछ उसको मिलता है, वहीं से वापस आ गया, दूसरे व्यक्ति जो पास में गया स्पर्श भी किया और सूंघा भी, वो भी आ गया, इसको भी आम मिला, ये नहीं बोल सकता मिला नहीं मिला, लेकिन ये कौन है, बोले जोगी है जो एक अंगुष्ट परिमाण पुरुष को हृदय में केवल वो ध्यान करते हैं, इनको भी मिला, लेकिन जो पास में गया लाया ठाकुर जी को भोग लगाया और वो प्रसाद को पाया बड़ा मीठा, इसको भी ठाकुर मिले आम, लेकिन आप बताओ पूर्ण रूप में किसको आम मिला है, बोलो किसको पूर्ण रूप में पूरा आम किसको मिला है, ये तीसरे व्यक्ति को, बोले ये कौन है, बोले भक्त है, इसलिए आप लोग एक कथा सुने होंगे भक्त का भगवान, किसके भगवान है, कोई नहीं कहता है ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहते निराकारी का भगवान, कोई नहीं कहता है जोगी का भगवान, भगवान किसके भगवान है, आप ही बोलो जोर से, भक्त का ही भगवान है, इसलिए श्री सूरदास जी एक सुंदर भजन गाए, बढ़िया सुंदर भजन, आप सबको पता होगा है वो सबसे ऊंची, भैया गालो तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कैसे कैसे कौन सा भक्तों ने ठाकुर जी को भक्ति करते हुए किसको किसको ये ठाकुर जी मिले,
ये सूरदास जी बहुत अच्छे तरह से ये भजन बताते हैं। भजन को हम लोग सुन लो। सबसे ऊंची मुसलदाई, सबसे ऊंची
भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। इसलिए आप लोग तो सब हिंदी समझ गए हो, इसलिए ये श्री सूरदास जी कहते हैं जी प्रेम सदा, मतलब है भगवान प्रेम के द्वारा जैसे वशीभूत होते हैं और किसी चीज को द्वारा भी ठाकुर जी के वशीभूत नहीं होते, इसलिए भगवान केवल भगवान प्रेम में वशीभूत होकर क्या नहीं किया, बोले दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। उन्होंने क्या किया, दुर्योधन की उन्होंने मेवा मिश्रित त्याग दे करके उन्होंने विदुर जी के घर में गए, ठाकुर जी साग भाजी खाए। भगवान प्रेम में वशीभूत होकर के कहा विश्व ब्रह्मांड का मालिक, उन्होंने अर्जुन का रथ को उन्होंने चलाया। प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने क्या किया, बड़ी एक सुंदर उदाहरण दिया है। देखो कहते हर नाई दुर्योधन का एक सेवक था, वो नाई था, रोज ठाकुर दुर्योधन का शरीर में तेल लगाया करता था और उनको बाल बनाया करता था, लेकिन था उधर भगवान का भक्त भी, संत से भी था। एक दिन किया हुआ जिस समय में ये दुर्योधन की सेवा करने के लिए जा रहा था, उसी समय में घर में कुछ संत आ गए। अभी तो उसने दुविधा में पड़ गए, अभी मुझे क्या करनी चाहिए, अगर संत सेवा करता हूं ये दुर्योधन का सेवा छूटेगा, ये दुष्ट फिर मेरे को नौकरी से निकाल भी सकता है, अगर ये दुर्योधन की सेवा करने जाओ फिर संतों की सेवा छूटेगी। लेकिन ठाकुर खुद कहते हैं अगर मेरे को खुश करना चाहते हो मेरे संतों को खुश कर दो, क्योंकि संतों का हृदय में निवास करता हूं, अगर संत खुश हो गए तो मैं भी खुश हो जाता हूं। वो बड़ी दुविधा में पड़ गया, देखा ये दुष्ट का तो सेवा करता हूं लेकिन संत हर समय नहीं मिलते हैं, आज मैं संतों को मैं सेवा करूंगा। उन्होंने बड़ी सुंदर रोटी सब्जी बनाई, खूब संतों की उन्होंने जिम्बाया सेवा की। इधर ठाकुर जी चिंता में पड़ गए, बोले क्यों लिए नहीं जाएगा, हो सकता दुर्योधन उसको नौकरी से निकाल सकता, नहीं तो कोई दंड भी दे सकता। इतने में ठाकुर जी स्वयं ही उन्होंने हर नाई का रूप धारण कर लिया, किसने धारण कर लिया, भगवान कृष्ण, और जाकर के दुर्योधन के शरीर में तेल लगाया। आज कोई जादू है ना किया, जब तुम मेरे शरीर को स्पर्श करते हो पता नहीं हृदय में इतने आनंद की लहरी क्यों आ रही है, मैं रोम रोम खिल रहा है, क्या तेरे हाथ में कोई जादू है ना किया, क्यों कौन सेवा कर रहा था, कौन कर रहा था, ये ठाकुर जी स्वयं कर रहे थे। वो इतने खुश हो गया, उसके गले में एक कीमती हार था गजमती हार, वो हार को निकाल करके उसने पहना दिया, किसको, वो नाई को, नाई तो नहीं वो स्वयं कृष्ण थे, लेकिन ये पहनाया तो कृष्ण की गला में, लेकिन वो आ गया अपने आप ये नाई के गले में आ गया। ये नाई हर नाई ने खूब संतों की सेवा करके लेट में जब पहुंचा सोचा हो सकता कोई सजा मिलेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया। इतने में बोले देखो आज मेरे घर में कुछ संत आ गए थे, उनकी सेवा करते करते देर हो गई, मेरे अपराध को माफ करना। बोले क्यों, आज तुमने इतनी सेवा की, मैंने कभी इतना आनंद मिला ही नहीं, आज जितना मुझे आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन उसको तो पता ही नहीं ठाकुर स्वयं आए थे। बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं आ पाया, घर में कुछ संत आ गए थे, इसलिए अपराध माफ कर दो। लेकिन उसकी गले में जो हार ना, उनकी गले में था लेकिन उसको पता ही नहीं था मेरे गले में हार है। इतने में दुर्योधन को तो बड़ा क्रोध आया, बोलो आज तेरे को मैंने इतनी कीमती हार दे दिया इसलिए तेरे अंदर में अभिमान आ गया। इतने में दुर्योधन ने वो हार को पकड़े और उन्हें मेरे गले में तो हार थी नहीं, वो समझ गया, वो तो भक्त था, वो समझ गया आज मैंने ये संतों की सेवा की ना, इसलिए ठाकुर जी मेरे रूप धारण करके आए और ये दुष्टों की सेवा की। तब से उन्हें नौकरी छोड़ दिया, बोले आज से तुम्हारी नौकरी हमें नहीं करना, क्यों मेरे वजह से ठाकुर जी आकर के ये दुष्ट की सेवा करना पड़ गया। इसलिए देखो अगर भगवान निराकार होते तो कभी ऐसे कर सकते थे, वो आकार में है तभी तो ये सब सेवा की, वो निराकार कभी ये कर सकते हैं, इसलिए भगवान कभी निराकार नहीं, ये चीज को समझो। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग कौन है, हिंदू ना मुसलमान हो, हिंदू है ना, हर हिंदुओं का अयोध्या में भगवान राम की मंदिर है कि नहीं,
वृंदावन में कृष्ण की मंदिर है कि नहीं, में नारायण राम की हनुमान जी की जो पूजा होती थी हमारे घर में पूजा को नष्ट कर रही। बोले भगवान का कोई निराकार हो तो निराकार है। अरे वो निराकार तुम फिर कहां से आ गया? इसलिए भगवान निराकार नहीं। अब भागवत पढ़ करके देखो, कहते जो भगवान को निराकार कहते उनको पाखंडी बताया, उसको पाखंडी बताया पद्म पुराण में उनको। इसलिए हमारे ठाकुर जी है राम है कृष्ण है नारायण है, ये हमारे ठाकुर जी है, है? इसलिए आप लोग घर घर में ठाकुर जी की जरूर पूजा करो। ठाकुर को निराकार मत मानो, ठाकुर को अच्छे तरह से खिलाओ पिलाओ, ठाकुर को सेवा करो। ठाकुर जी अगर खुश रहेंगे ना, तुम भी जीवन में तुम भी खुश रहोगे, हैं? तुम भी खुश रहोगे जीवन में। इसलिए रावण ने इसलिए सीता को उठाकर ले गया था, निशक्ति कर दिया था। इसलिए भगवान राम पूरा लंका समेत ध्वंस कर दिया ठाकुर जी, हैं? ध्वंस कर दिया भगवान राम। क्यों? भगवान को निशक्ति बना रहा था, माता सीता को उठाकर ले गया था ना, इसलिए भगवान लंका समेत नष्ट कर दिया रावण को। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले ऐसे जो भगवान है, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब जब हमारी ये सनातन धर्म नष्ट होने जाता है, मैंने ही तब तक इस जगत में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात कह रहे हैं। अगर वो निराकार होते थे शब्द तो कहाँ से होता होता? ये कहाँ से वाणी आती? रामायण कहाँ लिखा होता? हमारी गीता कहाँ आती? आती ही नहीं। देखो इसलिए जैसे मुसलमान उनकी मंदिर में देखो कोई मूर्ति नहीं, क्रिश्चियन का मंदिर जाओ कोई मूर्ति नहीं, लेकिन एक हमारी सनातन धर्म है हिंदू धर्म है जिसमें ठाकुर जी, जहाँ पर घर घर में हमारी ठाकुर जी गोपाल जी राम जी। इसलिए हमारी धर्म की, इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब जब इस जगत में ये धर्म की नष्ट होता है, मैं ही जगत में अवतीर्ण होकर के ये सनातन धर्म को मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। ऐसे जो भगवान है, भागवत में भगवान की 24 अवतार की कथा आई है। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार है ठाकुर जी चतुष्ण रूप में आए, ब्रह्मा की ये मानस पुत्र है, सनक सनातन सनातन और सनत कुमार रूप में आए और आकर के जगत में ये भागवत धर्म को इन्होंने प्रचार किया। भगवान का जो दूसरा अवतार है भगवान श्री बराह रूप में ठाकुर जी आए और बराह रूप में आकर के जिस समय ये पृथ्वी रसातल में चली गई थी, अभी ये सृष्टि के प्रारंभ होने जा रहा था, मनु महाराज बोले सृष्टि कहाँ, ये सृष्टि कहाँ करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे सृष्टि पृथ्वी तो है ही नहीं। इतने में ब्रह्मा जी छींके, जब छींके उनको नासिका से एक मच्छर जैसे एक प्राणी सृष्टि हुआ और देखते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया, भगवान बराह रूप में अवतीर्ण हुए। बोले श्री भगवान बराह देव की, और उन्होंने पानी में छलांग लगाए और उनको दंत अग्र में ये पृथ्वी को उठा करके अपना धुरी पर उन्होंने स्थापन किया है। फिर ये सृष्टि की प्रारंभ हुई सृष्टि की। और विशेष करके बोले शाम का समय में हमें चार काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? क्या क्या आज मैं बोलूंगा कल सुनूंगा। शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शाम का समय में भोजन करेगा ना, उसका पेट का रोग कभी सही नहीं होगा, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है शाम का समय में कभी सोना नहीं। जो शाम का समय में सोएगा वो हर समय दरिद्र बना रहेगा, घर में लक्ष्मी कभी उसकी टिकेगी नहीं, लक्ष्मी घर से चली जाएगी। जो तीसरा काम है कहते बच्चों को उस समय पढ़नी भी नहीं चाहिए, जो चीज पढ़ेगा वो कभी याद नहीं रहेगा, उसको भूल जाएगा। इसलिए शाम का समय में हमारे क्या होता है घर घर में, ठाकुर जी की आरती उतारते हैं, रामायण है गीता ये सब पढ़ते हैं, इसलिए ठाकुर जी को उस समय आरती करते हैं, उस समय पढ़नी नहीं चाहिए। और जो चौथा काम है शाम का समय में स्त्री पति पत्नी सहवास नहीं करनी चाहिए, आपस में नहीं मिलनी चाहिए, सहवास नहीं करनी चाहिए। अगर उसी समय सहवास करेगा ना फिर तो जो बच्चा राक्षस होकर जन्म लेगा,
इसलिए इसकी भागवत में कथा आती है, कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी दीपि, उसने ठीक शाम का समय में बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार की, सीसा को सामने खड़ी होकर की, और अपना रूप को देख करके इतने काम में आतुर हो गई, वो जोर जबरदस्ती पति से मिलने के लिए गया। कश्यप ऋषि समझाए, बोले देखो ये शाम का समय है, पति पत्नी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी, जोर जबरदस्ती पति को साथ में उसने मिली। जब मिली, ऋषि बोले तुमने सही काम नहीं किया, तुम्हारी गर्भ में दो राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे, ये हिरण्याक और हिरण्यकश्यप जन्म ग्रहण करेंगे। इसलिए अब लोग कभी कभी देखना, कभी कभी बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, अब देखना कभी कभी बच्चे इतने उद्दंड होते हैं पिता माता की बात नहीं सुनते हैं। कारण क्या है? कारण है जिस समय में वो बच्चा माँ के पेट में आता है उस समय सही होनी चाहिए, क्योंकि जो शाम का समय में शंकर जी ये भूत पिशाचों को लेकर भ्रमण करते हैं, इसलिए शाम का समय अच्छा नहीं मानी जाती है, हैं? इसलिए जब उन्होंने अभिशाप दिए तो अभी दो राक्षस से बच्चे होंगे। लेकिन दीति बड़ी दुखी हो गई, बोले देखो मैं काम में आतुर हो गई थी, काम को संभाल नहीं सकी, इसलिए मेरे अपराध को माफ कर दो। तब ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है दोष तो किए लेकिन तुमने माफी भी मांगी, मैं आशीर्वाद देता हूँ बेटा तो राक्षस बनेंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होएंगे, लेकिन तुम्हारा जो पोता होगा ना भगवान के परम भक्त होगा, इसलिए हिरण्यकश्यप का बेटा ये प्रहलाद जन्म बनकर के आए और भगवान की परम भक्त बने। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, बोले ये तो बताओ मेरे प्रभु है नहीं कहाँ, मेरे प्रभु तो कणकण में विद्यमान है, बोले ये खंभे में क्या है, बोले मेरे को दिख रहा है खंभे में मेरे ठाकुर जी है, बोले पहले तेरे ठाकुर को दिखाता हूँ तेरे को बाद में दिखाऊंगा। उनने मुष्टि का घात मारे तो खंभे फाड़ करके कौन आ गई, साक्षात नरसिंह देव आ गई, बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए ऐसे परम भक्त हुए हैं, खेत भगवान की जो चौथा बता रहे हैं, कहती ये नर नारायण ऋषि रूप में आए हैं, कहती ये क्या कर रहे हैं, कहती ये बद्रीनाथ में ये ठाकुर ये तपस्या कर रहे हैं। आप लोग बद्रीनाथ गए हो? बद्रीनाथ गए देखना, वहां पर नर नारायण ऋषि रूप में भगवान तपस्या करते हैं। प्रश्न होता है भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं, तपस्या तो जीव करनी चाहिए, ये ठाकुर जी क्यों तपस्या करते हैं, इसका कारण बताए। बोले जिस समय नारद जी इसी मर्त्य जगत में आए और आकर के उन्होंने घर घर में गए और सबसे प्रश्न पूछे, जे तुम लोग ठीक ठाक हो, कुशल मंगल है कि नहीं, ऊपर में तो सबके सब बोले हम ठीक ठाक हैं, लेकिन जब अंदर की बात पूछे है ना, देखे जगत में कोई भी ठीक नहीं है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, दुखी दुखी संसार को देखे। इतने में नारद जी गए बद्रीनाथ में, जब वैकुंठ में गए देखा नारायण अनंत नाग प्रसन्न किए हुए, माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही है और वहां पर समस्त देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे। इतने में श्री नारद जी बोले ठाकुर जी ये जगत को तो आपने सृष्टि किया, बोले हाँ, बोले देखा दुनिया सबके सब दुखी है, कोई संसार में सुखी नहीं, आप तो यहाँ आनंद ले रहे हो, बोले नारद जी बताओ क्या करनी चाहिए, बोले देखो श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते है ना उसका जो नीचे व्यक्ति इसको देख देख करके सीखते हैं, बोले बताओ स्पष्ट रूप में बताओ, बोले जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, लोगों को कैसे शिक्षा मिलेगा तपस्या करनी चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है मैं तपस्या करने निकलता हूँ, लेकिन कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए। तो उन्होंने भ्रमण करते करते पहुंचे बद्रीनाथ में, अब लोग जो गए होंगे देखे होंगे बड़े सुंदर नर नारायण पर्वत, जहाँ पर अलका नंदा प्रवाहित हो रही है, सुगंधि शिला गंधमार्दन पर्वत, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है। इसलिए ठाकुर जी बोले यही बढ़िया स्थान है, लेकिन वहां पर पहले शंकर पार्वती, पहले वहां पर शंकर पार्वती रहते थे। ठाकुर जी ने देखा यहाँ से शंकर पार्वती को भगाना पड़ेगा, बोले कैसे भगाए, वहां पर एक तप्त कुंड है, रोज शंकर पार्वती वहां तप्त कुंड में स्नान करने जाते थे। इतने में ठाकुर जी एक छोटा बालक बनकर के इन्होंने बर्फ को ऊपर में
उन्हें रोना शुरू कर दिया। आगे आगे शंकर जी चल रहे थे, वो देख करके समझ गए भैया दाल मुझे काला है, ये बच्चा कहाँ से आएगा। लेकिन पीछे पीछे माँ पार्वती आ रही थी, माताओं का हृदय में वात्सल्य भाव रहता है। इतने में माता पार्वती तो बच्चे को उन्होंने गोद में उठा ली। शंकर जी को बोले आपको ये बालक नहीं दिखा, बोले देखो लगता है दाल में कुछ काला, ये बच्चा कहाँ से आएगा। बोले छोटा बच्चा रो रहा है अब दाल में काला बोल रहे, ये बच्चे को मैं सुला करके आती हूँ। तब उन्होंने बच्चे को लेकर के उन्होंने घर में सुलाए, तब तक कुंड में स्नान करके जब वापस आए ना, वो तो ठाकुर जी थे, वो अंदर से ही कुंडी बंद कर, शंकर जी दरवाजा खटखटाए और खुले ही नहीं। इतने में शंकर जी बोले पार्वती देख लिया तुमको पहले से ही मैं सावधान कर रहा था, इनको घर में सुलाया था, हमारे घर को ही इसने दखल कर लिया है। इतने में बोले ठाकुर जी आप यही रहो, मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूँ। अरे शंकर जी, उन्होंने बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ, ठाकुर जी शंकर जी केदारनाथ में चले गए। इसलिए वहीं पर ठाकुर जी तपस्या कर रहे थे। ठाकुर जी बोले अगर कोई कष्ट करके मेरे कोई दर्शन करने के लिए, केवल दर्शन करने के लिए यहाँ आए, मैं जो भजन कर रहा हूं इसका छठवां भाग का फल केवल मुझे दर्शन मात्र से उसको प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए बद्रीनाथ का दर्शन करना बड़ा भाग्य से मिलते हैं। कौन कौन गए हो हाथ उठाओ, तो कोई नहीं गए, दो चार ही माता जी गए। आप बताओ कौन जाना चाहते हो, बताओ सबको हम ले चलेंगे। हाथ उठाओ कौन कौन जाना चाहते, सही सही बताओ कौन कौन जाना चाहते। जाओगे एक बार, हम एक बार वहां पर गर्मी समय में जाने का बड़ा आनंद है। जो लोग गए उनको पता होगा बहुत सुंदर स्थान है, इतने मनोरम। कोई कहते हैं विदेश चलो घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड चलो, नहीं, अब एक बार बद्रीनाथ जाओ सब भूल जाओगे। इतने सुंदर स्थान है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। एक बार अगर जीवन में ये चार धाम कोई कर लेना, उसको जन्म मृत्यु तो नहीं होता है। पहले ये चार धाम करना बड़ा कठिन था। जो बड़े बूढ़ों को पूछ लो, जब कोई ये चार धाम करने जाते थे वो बोल करके जाते थे मेरे अंतिम क्रिया कर लेना, पता नहीं आप वापस आएगे कि नहीं। इतने कठिन क्यों, चल चल करके रास्ता बड़े बीहड़ रास्ता था, पेड़ को पकड़ पकड़ करके चलते थे तब भी दर्शन होता था। अभी तो इतने सुंदर रोड बन गया, 10 दिन में ये चार धाम दर्शन करके आ जाओ। लेकिन और एक उपाय है, एक दिन में ये चार धाम नहीं, पृथ्वी का सारे तीर्थ को एक दिन में कर सकते हो। एक उपाय है, कोई करना चाहते हो हाथ उठाओ तो बन जाएगा। एक दिन में ये चार धाम करके आ जाओगे, चार धाम नहीं पृथ्वी का सारे तीर्थ को घूम करके आ जाओगे। देखो इसकी कथा सुनो, जब कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, श्री नंद बाबा ने मनोती किया था, बोले ठाकुर जी अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए, लाला की जन्म होने से मैं ये चार धाम पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ को मैं भ्रमण करके आऊंगा। अभी घर में कृष्ण जन्म हो गए, अभी नंद बाबा सोचे हमें तो चार धाम करनी चाहिए, बच्चा घर में हो गया 5 साल के हो गए। बोले देख कान्हा, हमने मनोती रखा था घर में एक बेटा का जन्म हो जाएगा तो हम ये चार धाम करने के लिए जाएंगे, घर में तुमने जन्म लिए हो, हम चाहते चार धाम करने के लिए। बोले पिताजी चार धाम तो ब्रज में ही है, ये वृंदावन में चार धाम है, अब कहाँ चार धाम करने जाओगे। बोले कहाँ पर लाला, बोले मेरे साथ में आओ ना, बेटा का कर्तव्य है पिता माता जब बड़े बूढ़े हो जाए उनको सारे तीर्थ घुमाए, ये बच्चे का कर्तव्य है। बोले मैं बड़ा हो गया ना, चलो मेरे साथ में। अब लोग तो कोई एक काम में बने, कोई गए हो ब्रज मंडल में काम में बने, कौन गए हो, केवल एक गोपी गई और कोई गए नहीं, आपको एक बार ना सब घुमा लेंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने काम्य वन में लेकर गए, ये ब्रजमंडल में काम्य वन में लेकर गए, बोले देखो सबके सब हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ करके सारे तीर्थ को याद करो। जब हाथ जोड़ करके सारे तीर्थ को याद किया, इतने बोले आग खोलो, जब खोला है ना ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, हरि की पौड़ी, सबके सब सारे तीर्थ वहीं पर आ गए। और कृष्ण ब्रजवासियों को वो सारे तीर्थ उन्होंने ब्रजवासियों को कराया। अगर आप चाहोगे ना, यहाँ से तो वृंदावन ज्यादा दूर है ही, अगर वृंदावन में चले जाओगे, कभी आप लोग यहाँ पर प्रोग्राम बनाना, ठीक है भैया, कभी प्रोग्राम बनाना और हमको फोन करना, प्रोग्राम बना करके
फिर हम बता देंगे कब हम वहां रहेंगे, फिर आपको एक दिन में ये सारे तीर्थ आपको घुमा करके ले आएंगे। बस बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे। इसलिए कहते जो व्यक्ति बद्रीनाथ को दर्शन करते हैं, भगवान का वरदान है, मेरे को दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूँ इसका छठवां भाग का फल केवल दर्शन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। इतने महिमा बद्रीनाथ को दर्शन करने का। ऐसे ही भगवान की कितने अवतार, 24 अवतार की उन्होंने वर्णना की है, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, ऐसे भगवान की 10 अवतार की उन्होंने कथा सुनाई। उन्होंने कथा सुनाते सुनाते बीच में बोले ये जो कृष्ण है ना, ये कृष्ण भी एक अवतार है। लेकिन इतना बोल करके तो सुत गोस्वामी डर गए, बोले क्यों, बोले कृष्ण अवतार नहीं, ये कृष्ण अवतार ही है। मतलब भगवान कृष्ण से ही ये जितने अवतार हैं ये सब के सब भगवान कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। इसलिए जो बांके बिहारी है वो साधारण नहीं। तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल है ना, घर में लड्डू गोपाल है कि नहीं, किस किस के घर में गोपाल जी है, देखो देखने में बड़े छोटे लगते हैं लेकिन छोटे हैं, वो साधारण नहीं कृष्ण। ये ब्रह्मा स्वयं कहते हैं ये बात को, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये जो भगवान कृष्ण है ये समस्त कारणों का भी कारण भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को महाभारत युद्ध में दर्शन करा, हे अर्जुन तो देख मैं कौन हूं, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान है। इसलिए हे अर्जुन मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके ये दुनिया में मेरे सिवाय जगत में कुछ है ही नहीं, ये कण कण में व्याप्त मैं हूं। जितने सारे भगवत अवतार तो भगवान के अंदर में है ही है, मत्स्य, कुर्म, वराह, सबके सब श्री ठाकुर जी के अंदर में। जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति कर लिया ना, समझो सबका भक्ति हो गया है। तब भागवत में दो उदाहरण देकर समझाए, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर दो उदाहरण दिया है। जैसे एक पेड़ है, जैसे पेड़ का जब जड़ में पानी देते हैं फिर आपको और कहीं पानी देने का जरूरत नहीं, लता पता फूल फल अपने आप भरा भरा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं देता है, पूरा पेड़ को दिन भर धोते रहो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं, बोला जिंदा रहेगा कि नहीं, जिंदा नहीं रहेगा ना। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते जो कृष्ण जो बांके बिहारी है इनके अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड विद्यमान। जब भगवान बांके बिहारी की प्रणाम कर लिए विश्व ब्रह्मांड को अपने आप प्रणाम हो गया। जैसे भोजन हम कहां पर देते हैं, मुंह में देते हैं भोजन। जैसे मुंह में भोजन देने से हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं। अगर कोई मुंह में भोजन नहीं दे थोड़ा आंख में डाल डाल दे, बोले आंख से देखते हैं, कान में थोड़ा रोटी दे दे, कोई देते हो नहीं। इसलिए भोजन कहां देते हैं, वो मुंह से ही भोजन देते हैं। इसलिए उसी तरह जब भगवान कृष्ण को हम भक्ति करते हैं विश्व ब्रह्मांड अपने आप तृप्त हो जाता है, क्योंकि समस्त ठाकुर जी विश्व ब्रह्मांड भगवान कृष्ण के अंदर में विद्यमान है। इसलिए जो भगवान कृष्ण बांके बिहारी ये 16 कला में परिपूर्ण श्री ये बांके बिहारी है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण को भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है, क्योंकि जगत में तो 33 करोड़ देवता है ना, हमारी कितना देवता है, 33 करोड़ है। दिन में अगर 1 करोड़ देवता को पूजो, महीना में कितना हो जाएगी, कितना होगा महीना, 30 करोड़ होगा, फिर 3 करोड़ तो बाकी रह जाएगी ना। अभी एक को मनाओ दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा, दूसरे को फुलाओ तीसरे मनाओ तीसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगी। लेकिन यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं बोले जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सबको, जिसके ऊपर में हरि की कृपा हो जाता है उसको ऊपर में सबके सब उसको ऊपर में कृपा कर देते हैं।
बोले श्री बांके बिहारी की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक भजन सुनिए। हाँ देखो, जो कल है कथा की चौथा दिन कल है, कल भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करेंगे। जब मैया जशोदा गर्भ धारण की, जितने ब्रज की गोपियां थी ना, वो 6-6 महीना पहले 84-84 गज के लहंगा चुंदरी बना करके रखी। बोले नंद के लाला होगा तो हम इसको पहन करके सबके सब बधाई देने जाएंगे। इसलिए जितने माताएं आई है ना, कल भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, आप लोग भी अच्छे अच्छे सब कपड़ा पहन करके आना, क्योंकि कल ठाकुर जी का जन्म उत्सव। अगर हो सके तो, अगर आपका घर में पीले पीले रंग के अगर साड़ी हो, कोई भी सूट सलवार हो, कोशिश करना अगर पीले पीले रंग के पहन करके आने के लिए हो तो अच्छी बात, अगर नहीं हो तो कोई बढ़िया जो कपड़ा होगा। क्यों, कल ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। कल हम बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बड़े धूमधाम से भगवान की जन्म उत्सव मनाएंगे, ठीक है। और भाई लोग क्या पहन कर जाओ अगर हो सके। हाँ हाँ, धोती हो तो अच्छी बात हो, अगर ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, आप लोग सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन कर आ सकते हो, अच्छे, क्योंकि कल ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। आप लोग जितने अच्छे तरह से हो सब धज करके आना। और हरे कृष्णा। और ये जो कथा है आप लोगों को द्वारा ही कथा हो रही है, इसलिए आप लोग अगर हो सके, जैसे उसमें बधाई देते हैं ना, जैसे टप्पी है, मखाना है, जैसे लुटाते हैं, अगर हो सके तो थोड़ा लेकर गया ना उसको, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, बड़े धूमधाम से कल ये उत्सव मनाएंगे। तो प्रभु जी ब्रज धूरी सितारी लगे, ब्रज मंडल कीर्तन हुआ करे तो ताली सेवा किया करो, और जो ये भक्ति में जो भगवान के कीर्तन नाचते हैं ना, ये भी नाचना भी भक्ति में, जो शादी में बैंड बाजे के सामने नाचते हैं वहां की नहीं बात कर रहे हैं भैया, केवल कीर्तन की बात कर रहे हैं। कीर्तन में जो नाचते हैं ना, पीएमसी गांव में कल शादी हो रही थी, हम तो सो रहे थे, देखा उल्टी पुल्टी क्या क्या गा रहे थे, उसमें पता नहीं क्या पीप आकर के मेन रोड में नाच रहे थे। लेकिन भगवान की दरबार में जो नाच लेना, ठाकुर का दरबार में, उसको 84 लाख जनी नाचना खत्म हो जाएगी। मैं कल बता रहा था ना, अब याद है कि नहीं, एक चूहा ने वो दिया बुझने जा रही थी, किसी भक्त ने भगवान के मंदिर में दिया जलाया, वो दिया बुझने जा रही थी, एक चूहा तेल खाने के लिए गया, जब तेल पी रहा था उसको दांत में लग गई बत्ती, वो पीछे हटते ही दिया हो गया तेज, उसको मुंह में आग लग गई, 2-4 बार छलांग लगा दी। देखो हमारे बाकी बिहारी कितने दयालु हैं।
बोले ये कार्तिक महीना में दिया बुझने जा रही थी, चूहा किसने किया, दिया को तेज कर दिया, मतलब मेरे को उसने आरती उतारी, दो तीन बार छलांग लगाई, मतलब उसने मेरे को आरती उतार तो ये मेरे सामने नृत्य किया। क्या फल हुआ, अगले जीवन में चूहा ने राजकुमारी बनकर के राजा घर में जन्म हुई, उसकी अंदर में भक्ति रही, तो ठाकुर जी भक्ति करते करते अपना धाम उसको पटना ही बना दिया ठाकुर जी कन्हैया है। अगर चूहा अगर दो चार बार छलांग लगा दिया, अगर आप भी अगर दो चार बार छलांग लगा कर नाचोगे फिर ठाकुर जी क्या नहीं, एक बार खड़े हो जाओ सबके सब खड़े हो जाओ, बैठ बैठ कर प्यार दर्द हो गया, एक बार खड़े हो जाओ फिर नाच लो। हाँ उरस भरे हरस भरे उरस भरे रसिया दे हरे रसी दे उरस भरे रसिया दे हरे रसी दे हरे रसी दे नैना सखियो हरे रसी दे नैना हरे रसी दे
जो श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा में, अभी आता है ये भागवत कथा के वक्ता कौन है। कहते ये भागवत ग्रंथ के वक्ता हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले जिस समय श्री व्यास देव जी ने बड़े सुंदर उन्होंने सारे ग्रंथ को रचना की, वेद पुराण उपनिषद सब कुछ उन्होंने रचना की, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन नारद जी वहां पर उपस्थित हुए। बोले व्यास लगता है तुम्हारे मन में शांति नहीं। बोले गुरु जी आप सही बताए, मैंने जीव कल्याण के लिए पहले एक वेद को चार वेद रूप में प्रकाशित किया, फिर मैंने उपनिषद बनाए, फिर मैंने ब्रह्म सूत्र बनाए, लेकिन स्त्री शूद्रों का वेद में अधिकार नहीं, फिर मैंने पंचम वेद महाभारत मैंने रचना की, लेकिन मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। बोले देखो इसलिए शांति तुमको नहीं मिल रही है, बोले दूसरे दूसरे धर्म को तुमने जितने बढ़ा चढ़ा करके बताया ना, तुमने भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को तुमने रचना नहीं की, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है। अगर तुम शांति पाना चाहते हो कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो, ये भागवत ग्रंथ से ही तुमको शांति मिलेगी। तब उन्होंने नारद जी बोले देखो मैं अपना कथा तुमको सुनाना चाहता हूँ। मेरे को जीवन में इतने बड़े संत मैंने बना तो जगत में इतने बड़े संत बना कैसे। फिर श्री नारद जी वो अपना कथा को उन्होंने सुनाए। बोले गुरु जी क्या सुनाते हैं, अपना चरित्र को शिष्य को सुनाते हैं। ये जगत में मैं इतने बड़े संत बना तो मैंने संत बना कैसे। श्री नारद जी अपना कथा सुनाए, हमारे प्रभु जी यहाँ बीच में बैठे हुए, ये थोड़ी सी वो नारद जी की चरित्र को सुनाएंगे। तब तुम सुना फटाफट माटी वहीं पर बैठ के सुना फटाफट सुना। अज्ञान की विराम से ज्ञान ज्ञान शलाकया चक्षुर्मीतम येन तस्मै श्री द्रौपदी कथा।
कृपा सिंधु के बलिदान पावन वैष्णव सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर शत कृष्ण वेदांत सीधे गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं मेरे शिक्षा गुरुपाद पद श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव जी श्री चरणों में यथा के प्रणाम। नारद जी का बहुत ही सुंदर चरित्र है। वो बता रहे हैं कि मैं पिछले कल्प में एक दासी का पुत्र था। वो कुछ साधु संत आए हुए थे चातुर्मासी व्रत पालन करने के लिए, वो उनकी सेवा करती थी और मैं उनके झूठे पत्तल उठा करके फेंक देता था और उनकी आज्ञा से उनका झूठन पा लेता था। ऐसे ही करते करते जब चतुर्मासी बीत गया तब वो साधु संत चले गए और मुझे एक मंत्र प्रदान करके गए। एक दिन की बात है, मेरी माता जी संध्या के समय गाय दोहन करने के लिए गई हुई थी, उनके पैर में सर्प ने दंशन कर लिया और उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं जब भक्त किसी भक्त पर भगवान कृपा करते हैं तो उसके लिए अपने भजन का मार्ग खोल देते हैं। उनकी माता जी की उनके प्रति आसक्ति थी, वो हर समय उनका ध्यान रखती थी, जो भी उनसे संभव था जो भी हो सकता था वो उनकी ध्यान रखती थी। इकलौते पुत्र थे उनके वो नारद जी, और बड़ा ही सुंदर स्वभाव था उनका। जैसे आजकल के बच्चों का चंचल स्वभाव होता है ऐसा स्वभाव नहीं था उनका, बड़े ही दैन्य भाव से रहते थे और साधु संतों की सेवा करते थे। तब वेद व्यास जी उनसे प्रश्न करते हैं, जब वो साधु संत चले गए तब आपने क्या किया? तब उन्होंने बताया कि मेरी माता का देहांत होने के बाद मैं वहां से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और वहां मैंने बहुत से नगरों को देखा, ग्रामों को देखा, जंगलों से होकर के मैं जा रहा था। जिन जंगलों में भयंकर खूंखार जानवर रहते हैं उन जंगलों से होकर जा रहा था। काफी समय हो गया था मुझे चलते चलते, मैं थक गया था और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। मुझे प्यास भी लगी थी, मैंने वहां पानी पिया। पानी पी करके जो संत मुझे मंत्र देके गए थे वो मंत्र मैंने जपना शुरू किया और भगवान की एक झलक मेरे हृदय में दिखाई दी। वो झलक जब मैंने देखी तो मेरे आंखों से अश्रु धार बहने लगी। भगवान का दर्शन करके उनके हृदय से बहुत ही सुंदर स्वभाव भाव प्रकट हुआ और अश्रु धार बहने लगी। उसके बाद बड़े ही विचलित हो गए, भगवान दर्शन देकर के चले गए वो बड़े ही विचलित हो गई कि मैं कैसा भागा हूं। मैंने भगवान का दर्शन तो किया परंतु उनसे कुछ बात नहीं कर पाया। बहुत ही विचलित होने के बाद तब उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि मेरे परम भक्त नारद, भी तुम्हारे हृदय में कुछ सांसारिक कामनाएं हैं जिसके कारण तुम अभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, तुम्हें मेरा और भजन करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। उसके बाद फिर नारद जी ने वहीं बैठकर भगवान का भजन किया। उसके बाद भजन करने के बाद नारद जी को भगवत देह प्राप्त हुआ और वो भगवान के धाम चले गए। यहाँ पर विशेष शिक्षा है, नारद जी जिस समय साधु संत आए हुए थे वो क्या करते थे? साधुओं की सेवा करते थे, उन साधुओं की सेवा करते थे और उनका उच्चिष्ट ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर साधुओं की सेवा और साधु संघ की महिमा बताई गई है। एक कथा है छोटी सी। एक समय एक बहुत बड़ा चोर था और उसका एक पुत्र था। उसने अपने पुत्र को दो मंत्र सिखाए कि तुम जहां पर भी चोरी करो कभी ये स्वीकार मत करना कि मैंने चोरी की है, और कहीं भी
साधु संतों की कथा हो रही हो, भगवान की कथा हो रही हो, वो कथा कभी मत सुनना, वहां से कान बंद करके चले जाना। जो उसको ये दो मंत्र दे दिए वो चोरी करने लगा, और एक दिन उसने एक राजा के यहाँ चोरी की। राजा के यहाँ चोरी करके वो भाग रहा था। अब राजा के यहाँ चोरी की है, इतने बड़े राजा के यहाँ, उसके जो नौकर है वो कैसे छोड़ देंगे। वो नौकर पीछे लग गए, वो भाग रहा था, नौकर पीछे पीछे वो आगे आगे, और एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचा तो उसके पैर में कांटा लग गया, और दूर से उसने सुना कि कथा चल रही है भगवान की, और भगवान की कथा चल रही है, और वो प्रसंग में बोल रहे थे कि देवता कभी भी जमीन पर नहीं उतरते, देवता हमेशा आकाश मार्ग में ही भ्रमण करते हैं। अब बड़ी मुसीबत में फंस गया, एक तो पैर में कांटा लगा है और पीछे चोर पड़े हैं। अगर कान बंद करेगा तो कांटा नहीं निकाल पाएगा, और वो जो कथा है वो कानों में चली जाएगी। वो बड़ी दुविधा हो गई। उसने सोचा चलो भगवान की कथा कानों में जाने दो, परंतु इन चोरों से बचना जरूरी है, इन नौकरों से बचना जरूरी है राजा के। उसने कांटा नहीं, उसने कहा मैंने तो कोई चोरी नहीं की, क्योंकि उसे तो दो मंत्र मिले थे अपने पिता के द्वारा, कभी स्वीकार मत करना कि मैंने चोरी की है। वो तो कि मैंने चोरी नहीं की, नहीं की, नहीं की। राजा बोले देखो हम कल एक देवता को बुलाएंगे, अगर तुमने उसके सामने झूठ बोला तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने सोचा ये डर जाएगा, डर करके बता देगा, परंतु उसे तो पता था। लेकर के आए, लाने के बाद उसको फिर सामने ले गए उस मनुष्य के, उससे बोले देख ये देवता है, अगर तू इसके सामने झूठ बोल गया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी यहीं पर। और उसे तो पता था कि देवता जमीन पर नहीं उतरते, उसने देखा तो इधर जमीन पर खड़ा है, ये कैसा देवता है, ये तो पहली बार सुना मैंने, वहां तो मैंने कथा में सुना था कि देवता जमीन पर उतरते ही नहीं है, ये कैसा देवता है, वे जरूर कुछ ना कुछ चाल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने वही अपनी रट पकड़ ली कि मैंने चोरी नहीं की। उसके बाद राजा को विश्वास हो गया कि हाँ ये सही बोल रहा है, इसको छोड़ दो। उसके बाद उसे छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो सीधा अपने पिता के पास पहुंचा और बोलता है आपने मुझे दो मंत्र दिए थे, वो मंत्र आपके फेल हो गए आज, अगर मैं कथा नहीं सुनता साधु संतों के माध्यम से तो आज मैं मेरा मरना निश्चित था, और साधु संतों के माध्यम से ही आज मेरी जान बच पाई है। ये भाड़ में लोग भाड़ में जाए तुम्हारे मंत्र मंत्र, मुझे नहीं बनना तुम्हारा बेटा बेटा, मैं जो है चला साधु संतों के पास। वो जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके और उन साधु संत के पास चला गया, और साधु संतों के पास जा करके क्या किया उसने, उन साधु संतों की सेवा की, और सेवा से साधु संत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उसको भी भगवत प्राप्ति का मंत्र बताया, और उसने भी भगवत प्राप्ति कर ली। ऐसे ही साधु संत हमारे कल्याण के लिए जगत में आते हैं, वो इस जगत के नहीं होते, वो भगवान के धाम से आते हैं। भगवान के धाम से आकर के हम जैसे बद्ध जीवों के लिए जो संसार में फंसे हुए हैं, ऐसे भी गुरु ही बताते ना, कोई पति के आगे नाच रहे हैं, कोई पत्नी के आगे नाच रहे हैं, कोई पुत्र पुत्री के आगे नाच रहे हैं, कोई मैनेजर के सामने नाच रहा है, कोई किसी के सामने नाच रहा है। ये जो नाच है ना, अगर इस नाच से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, साधु संतों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी हमारा इस नाच से, ये नाच है कैसा है, 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात ये हमें मनुष्य तन मिलता है एक बार। अगर इसको हमने गवा दिया तो फिर मिलने वाला नहीं है, फिर से हम 84 लाख योनियों में भटकेंगे। अगर हम इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, जोर से बोलो सबके साथ, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जय जय श्री राधे। चाली बजाओ कथा।
अभी प्रभु जी आपको सुनाएंगे श्री मनु महाराज के कि जो सृष्टि जो हमारी हुई है ये मनु महाराज से सृष्टि हुई है, इसलिए हमको क्या कहते हैं, हमें मानव कहते हैं। लेकिन जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं स्टूडेंट लोग, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोग कॉलेज स्कूल में क्या पढ़ाई होता है, ये डार्विन का थ्योरी है। पहले हमारे पूर्वज लोग बंदर थे, ये बंदर का पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया ना, फिर हम इंसान बन गए। ये किसका थ्योरी है, ये किसका थ्योरी है, ये डार्विन का थ्योरी देखो। लेकिन हमारे शास्त्र नहीं कहता है हमारे पूर्वज लोग बंदर थे, हमारे पूर्वज लोग भगवान राम है, भगवान राम और कृष्ण से हम हुए हैं। इसलिए अगर बंदर से इंसान होता है, अभी कितने बंदर घूम रहे हैं, अभी तो कोई एक बंदर कोई इंसान नहीं बन रहा है, उसी समय में क्यों इंसान बना, अभी क्यों इंसान नहीं बन रहे। ये डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, तुम प्रूव करके दिखा दो ये बंदर से इंसान हुए। बोले क्यों, बोले लोगों को नास्तिक बनाना चाहता था ये गवर्नमेंट, ये मरने से पहले खुद बोल कर गया है। बोले कभी बंदर से इंसान कभी बन ही नहीं सकता है। एक समय केवल बंदर का जो खोपड़ी मतलब बंदर का जो ब्रेन है, उनने कोशिश किया इंसान के ब्रेन में लगाने के लिए, वो इंसान बंदर जैसे छलांग लगाना शुरू कर दिया, उसको एक पार्ट भी नहीं बना सकते हैं। हम बंदर जैसे दिख रहे हैं, मतलब तुम्हारे बंदर जैसे दिख रहे हैं ना, ठाकुर जैसे दिख रहे हो, भगवान जैसे कृष्ण राम देखो हम देखने में वैसे ही है ना। इसलिए भैया हम बंदर से नहीं हुए हैं, हमारे जितने हिंदू है ना, पूछो गोत्र किसको, पूछो क्या गोत्र माता जी तुम्हारी, पता है तुम्हारी गोत्र क्या, क्या गोत्र, भारद्वाज। आपका क्या गोत्र भैया, भारद्वाज। और तुम्हारी गोत्र क्या है, वशिष्ठ। ये गोत्र कहाँ से आया बोलो, ये ब्रह्मा जी, ये भागवत में वर्णन आती है, ब्रह्मा जी उन्हें 10 संतान को उन्हें जन्म दिया है, हैं? ये भृगु वशिष्ठ आदि उन्हें 10 बच्चे को जन्म दिया, जिससे हम आए हैं इसलिए हमारी वही गोत्र है, जिस ऋषि से आए वो गोत्र हमारी है। इसलिए भारत में हमारे सबके सब गोत्र है, हमारे सबके सब। इसलिए भैया हम बंदर से नहीं हुए हैं, हम किससे हुए हैं, भगवान से हुए हैं। इसलिए हम क्या कहते, तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। कौन है हमारे पिता माता, भगवान कृष्ण। इसलिए भैया ये विदेश में ये थ्योरी नहीं पढ़ाती, विदेश में कॉलेज में ये चीज नहीं पढ़ाया जाता है, हम बंदर से हुए हैं कहीं नहीं। ये भारत हमारी मूल सनातन धर्म धर्म का मूल स्थान, दुर्भाग्य का विषय हमारी कॉलेज में ये पढ़ाई होता है, ये हमारी कॉलेज में पढ़ाई होती है। इसलिए भैया हम बंदर से नहीं हुए हैं, हम ठाकुर जी से हुए हैं, इसलिए भागवत में ये मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हम मानव कहते हैं। इसलिए एक ग्रंथ मनु महाराज ने बनाया जिसका नाम मनुस्मृति, आप उसको पढ़ करके देखो, भाई बंधु के साथ में कैसे व्यवहार, पति पत्नी क्या होता है, जीवन का क्या कर्तव्य, उन्होंने सब कुछ लिख कर गई। अब देखना संसार में जो चल रहा है ना, ये मनु महाराज ने बना कर गए, घर में कैसे रहोगे, बच्चे को साथ में कैसे, बेटी को साथ में कैसे, पत्नी को साथ, उन्होंने सब कुछ मनु महाराज बनाया। इसलिए हमको मानव कहते हैं। इनकी 5 संतान हुए हैं, कहते इनकी 3 बेटी हुए और इनके 2 बेटे हुए, 3 बेटी और 2 बेटे, 2 बेटे में ये उत्थान पात है कि प्रिय व्रत, और जो 3 बेटी थी आकुति देहूति प्रसूति, यही से ही ये सृष्टि प्रारंभ हुई। प्रारंभ होते 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 बैठते बैठते जैसे अब लोग यहाँ पर कुछ परिवार के लोग देखना, पहले बोलते ना हम एक परिवार था और एक परिवार से इतने बड़े परिवार हो गए ना, गांव बोलते ना हमारे एक परिवार था, इसके 5 भाई हुए, 5 भाई के अलग अलग बच्चे हुए फिर बड़े गए। ऐसे ही हमारे जो परिवार थे, ब्रह्मा जी से मनु महाराज हुए, मनु महाराज से हो गए ब्रह्मा जी से, उनको भगवान से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से 5 बच्चे, धीरे बढ़ते बढ़ते हम इतने सारे पृथ्वी में हम सबके सब भर गए। हम जो गुजर जाती है यहाँ पर, गुजर कोई है देखना, वो किसी गुजर से पूछो ना, देखना सब सबको जानते हैं, कहते हमारे पहले एक परिवार बढ़ते 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 इतना हो गया, तुम लोग भी परिवार देखना ऐसे बढ़ते 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 इतने हो गए। इसलिए हम लोग मानव है, हम लोग कोई बंदर से नहीं, हम किससे हुए हो बताओ, तुम्हारे पिताजी कौन है, परम पिताजी कौन, भगवान कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री बांके बिहारी की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की। अभी प्रभु जी आपको सुनाएंगे ये
ध्रुव जी की कथा सुनाएंगे। आप अच्छे तरह से सुनो ध्रुव जी कथा। अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी मेरे साथ साथ में बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमारतम गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली समस्त के चरणों में मेरे यथा योग्य प्रणाम। भागवतम के अंतर्गत जब सृष्टि कर्म और जिस प्रकार ब्रह्मा जी के अनेक अनेक पुत्र और उससे जो मनु महाराज की 5 संतानों का वर्णन आता है, उसमें महाराज उत्थानपाद की कथा आती है। उत्थानपाद इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। रानी सुरुचि उत्थानपाद राजा को बड़ी प्रिय थी, सब समय उन्हीं के साथ में विहार करती। इनका नाम ही है सुरुचि, सुरुचि अर्थात स्वस्य रुचि, जिसमें खुद को खुद के मन अनुसार जैसी रुचि हो उसको बताया सुरुचि। शास्त्र सम्मत क्या विचार है वो नहीं, जो अपने मन को अनुकूल करे वो बताया सुरुचि। और राजा को यही चीज बड़ी प्रिय थी। यदि विचार करेंगे तो हम भी उत्थानपाद का ही स्वरूप है। उत्थानपाद क्यों बतलाया, उत्थानपाद का अर्थ आया उर्ध पादो यस्य, माने जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे की ओर। विचार करके यदि देखोगे तो मातृगर्भ में हमारी भी ऐसी ही स्थिति थी। माँ के गर्भ में जब एक संतान आती है सर नीचे की ओर पैर ऊपर की ओर उल्टा लटका हुआ होता है। और हमारी भी 2 पत्नियां हैं, क्या क्या कहते हैं, एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। जैसे उत्थानपाद की 2 पत्नियां थी सुरुचि और सुनीति, ऐसे ही हम हमारे मन के अनुसार यदि कार्य करते हैं तो वो हो गया सुरुचि। लेकिन दूसरी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति अर्थात शास्त्र नीति, सुंदर नीति। शास्त्रोक्त में जो विचार वर्णन किए गए हैं उनके अनुरूप यदि हम कार्य करें तो वो बतलाया वो बुद्धिमानी का कार्य है, वो बतलाया सुनीति है। उदाहरण के तौर पे शास्त्रों में वर्णन है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में शयन नहीं करना चाहिए, उठ जाना चाहिए। सुबह यदि कोई देर तक सोता है तो वो पाप कर्मी निद्रा है, सभी को ये बात विदित है। लेकिन जब सुबह सुबह का समय होता है, स्पेशली जब सर्दी का समय हो, क्या मन में विचार आता है, अरे यार रजाई उठ थोड़ा और देर सो जाओ। कहां शास्त्र की वाणी तब जाती है, विचार नहीं आता शास्त्र में क्या वर्णन है। जो स्वस्य रुचि, हृदय में हमारी रुचि ही इतनी बलवान हो जाती है कि शास्त्र को हम नकार देते हैं। लेकिन यहाँ पर टीकाकार वर्णन करते हैं कि सुरुचि और सुनीति जो उत्थानपाद की 2 रानियां थी उनसे पुत्र क्या हुए। कहते हैं सुनीति का पुत्र था ध्रुव, ध्रुव अर्थात अचल शाश्वत। हम आगे श्रवण करेंगे, सुनीति सुरुचि ये 2 ही रानियां के पुत्र थे, लेकिन सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। अभी प्रश्न करते हैं कि सुरुचि मतलब हमारे मनमानी ढंग से यदि हम किसी चीज को अपना रहे हैं तो उसका फल उत्तम कैसे हो सकता है, उसका तो अधम होना चाहिए। हम आगे श्रवण करेंगे, जब एक बार उत्तम गए थे मृगया के लिए जंगल में शिकार करने के लिए, उसी समय पर उनको यक्षों ने पकड़ लिया और यक्षों ने उनकी हत्या कर दी। ये इनकी माँ सुरुचि जब खोजते खोजते पुत्र के पीछे गई तो इनको भी आग लग गई और ये भी वहां पर भस्म होकर राख हो गई। लेकिन सुनीति को यदि किसने अपनाया, देखो बड़ी अनेक अनेक नीतियां बतलाई गई है, चाणक्य नीति है, कूट नीति है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं विदुर नीति। विदुर जी के विषय में आपने श्रवण किया होगा, अभी सुन रहे थे ना, दुर्योधन के मेवा तागे साग विदुर घर खाई। अरे विदुर जी ने इतनी श्रेष्ठ नीति अपनाई है, जब दुर्योधन और समस्त कौरव पांडवों के विरुद्ध हो गए तब जाकर वो धृतराष्ट्र को समझाने लगे, बोले राजा आप यद्यपि जड़ नेत्रों से तो अंधे हैं लेकिन ज्ञान चक्षु तो आपके पास में होने चाहिए, आपने क्या अपने ज्ञान चक्षुओं को भी पुत्र मोह से आवृत कर लिया है, आप पुत्र मोह में इतने पागल हो गए हैं कि आपको अधर्म हो रहा है ये भी दिखलाई नहीं देता।
अरे पांडव केवल मात्र 5 गांवों की याचना करके कृष्ण को भेजे थे, आपने वो भी, आपके पुत्र ने वो भी ठुकरा दिया और कहते हैं युद्ध होगा, आप पुत्रों में इतने अंधे ना होए और पुत्र का पक्ष ना लेके धर्म का पाथ अपनाओ। लेकिन उसी बात को धृतराष्ट्र ने जब सुना और विशेष करके दुर्योधन ने जब सुना, बड़ा क्रोधित हो गया, बोले जिसकी थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न खाते हो और हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहे हो। क्रोधित होकर उसने कहने लगा, अगर तुम हमारे चाचा नहीं होते, मयान से तलवार निकाल के इसी तलवार से तुम्हारे सर से, तुम्हारे धड़ से सर अलग कर देता। विदुर जी भी बड़े दुर्विनी बड़े विदुर जी बड़े ही शांत स्वभाव के, उन्होंने क्या किया उसी समय पर सब हथियार परित्याग करके और वन की ओर चले गए। यहाँ पर कहते हैं मानो विदुर जी धृतराष्ट्र और कौरवों से दूर नहीं गए, उनका भाग्य ही उनसे दूर चला गया और तभी पर जाकर महाभारत का युद्ध हुआ और समस्त कौरव समाप्त हो गए। इसलिए कह लेते हैं अगर हम शास्त्र नीति को अपनाएंगे, सुनीति को यदि अपनाएंगे तो क्या होगा, भगवान हमारे घर आएंगे। साग विदुर घर खाई, इसलिए भगवान हमारे घर आएंगे अगर अच्छी नीति को अपनाया। एक दिन राजा उत्तानपाद राज दरबार में अपने पुत्र उत्तम के साथ में राज सिंहासन पर बैठे थे। ध्रुव महाराज दोस्तों के साथ में खेलते खेलते जब राज दरबार में उपस्थित हुए, उन्होंने देखा पिताजी मेरे भाई को बड़े लाड लड़ा रहे हैं। इनके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। जैसे ही आगे अग्रसर होने लगे, वहां पर थी सुरुचि। सुरुचि बड़ी ईर्ष्यान्वित हो गई, बड़ी क्रोधित होकर और डांटने लगी, बोले दुर्विनीत तेरा इतना दुस्साहस कैसे हुआ, तू राजपुत्र भले ही हो सकता है लेकिन पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है, राज सिंहासन पर यदि बैठना चाहता है, मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, मेरे गर्भ से जन्म जाओ, तपस्या कर, जब मेरी गर्भ से जन्म होगा तब जाकर तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव महाराज भी क्षत्रिय पुत्र हैं, माता के ये वचन सुन के बड़े ही क्रोधित हो गए, सांस फूलने लगी, होंठ कंपन करने लगे, एक चलते हुए सांप को जैसे लाठी मार दो सांप कैसा क्रोधित हो जाता है, फुटकारने लगता है। इसी प्रकार ध्रुव महाराज यद्यपि 5 वर्ष के हैं लेकिन क्षत्रिय स्वभाव, स्वभाव छोड़ना बड़ा मुश्किल, क्षत्रिय स्वभाव उनके अंदर प्रकाशित हो गया और रोते रोते क्रंदन करते करते वहां से अपनी माता सुनीति के पास में आ रहे हैं। अंतपुर की जो दासियां थी उन्होंने ये सब देखा ही था, सुनीति को ये सारी बात उन्होंने पहले ही बतला दी। जैसे ही पुत्र को आते हुए देखा, सुनीति भी बड़ी दुखी हो गई। जिस प्रकार जलती हुई आग में एक लता को यदि डाल दें तो कैसे जुलूस जाती है, पुत्र को क्रंदन करते देख देख कर माता सुरुचि भी, सुनीति भी बड़ी दुखी हो गई और पुत्र को आंचल में लेकर और समझाने लगी है। इसका नाम ही है सुनीति, किसी को दोष नहीं दे रही, कहती है पुत्र तुम्हारे ऊपर यदि किसी ने अपकार किया, किसी ने यदि तुम्हें कटुवचन बोले हैं तो इसको अपने पूर्व जन्मों का कर्म फल मान लो। देखो बड़ी सुंदर बात बतला रही है यहाँ पर सुनीति मैया, हमारे ऊपर जब भी कोई कष्ट आता है तो हम क्या करते हैं, अरे इसके कारण हुआ, अरे इसके कारण हमें ये परेशानी में पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, तत्तेनुकंपास सुमिक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुभिर् विदधन् नमस्ते जीवेति यो मुक्तिपदे सदायः। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, तत्तेनुकंपास सुमिक्षमाणो भुञ्जानि एवात्मकृतं विपाकं, पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार जो जो भी हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए किसी को दोष मत दो, जैसा जैसा तुम पहले बीज बोकर आए हो वैसा ही तो फल होगा। आप बताओ करेले का वृक्ष यदि, करेले का बीज यदि जमीन में बो तो करेला उगेगा, अगर किसी फल एप्पल या चीकू का बीज यदि वृक्ष दिया है जमीन में तो वहां से उसी प्रकार का फल होगा। इसी प्रकार हम पूर्व पूर्व जन्मों में जैसे कर्म करके आए हैं उसी के अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। सुनीति यहाँ पर पुत्र को समझा रही है कि तुम्हारी माँ ने तुम पे शासन करते हुए जो बात कही उसने एक बड़ी बढ़िया बात कह दी तुमसे। ध्रुव जी कहने लगे क्या, बोले तुम्हारी माँ ने कहा कि तपस्या करो और भगवान का भजन करो, बोले पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार तुम्हें जो दुख प्राप्त हुआ है तुम मत्सर भाव त्याग दो, तुम्हारी माँ के प्रति कोई द्वेष भाव मत रखना, इसको परित्याग करके, और एक अच्छी बात उन्होंने कही कि भगवान का भजन करो, लेकिन एक बुरी बात भी कही। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं बुरी बात क्या कही, बोले यदि भगवान का भजन करेगा,
भगवान का तपस्या करके भगवान के परम पद को प्राप्त करेगा, और उसके बाद क्या माँ के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा? उसके बाद में तो यद गत्वा धाम परम मम, भगवान के धाम में जाने के बाद तो कोई मातृगर्भ में आता ही नहीं, पुनः जहां से वापस आना ही नहीं पड़ता। मानो सुरुचि यहाँ पर कहना चाह रही है कि भगवत पद से भी श्रेष्ठ हो गया आज उसका गर्भ, क्योंकि भगवान के पद प्राप्त करने पर भी उसके गर्भ में क्या आना बाकी रह जाएगा? सुनीति कहती कि नहीं, ये बात एकदम गलत है, तुम जाओ भगवान का भजन करो। और जैसे ही मैया के सुंदर सुंदर उपदेश प्राप्त करके ध्रुव महाराज ने अपना हृदय बलवान किया और भजन के लिए अभी राजमहल से अग्रसर हुए हैं, वन की ओर जा रहे हैं। माँ से प्रश्न भी किया था, बोले माँ ये भगवान रहते कहाँ हैं? बोले ऋषि मुनि सब इनका ध्यान करते हैं वन में जाकर, वन में जाकर तुम भी तपस्या करो, वहीं पर तुम्हें पद्म पलाश लोचन चतुर्भुज भगवान स्वरूप तुम्हें दर्शन देंगे। भगवान नारायण भी वैकुंठ में बैठे बैठे बड़े आनंदित हो रहे थे, और जैसे ही हरे कृष्ण, जैसे ही ध्रुव जी भगवान का भजन करने के लिए अग्रसर हुए हैं, नारद जी को वहां पर भेज दिया। नारद जी का दर्शन प्राप्त करके ध्रुव जी भी बड़े आनंदित हो गए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं ना, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा पर होई। अरे यदि किसी संत का दर्शन हमें प्राप्त हो गया है, समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा हुई है। भगवान नारायण तो वैकुंठ में शयन कर रहे थे, लक्ष्मी उनके चरणों का सम्मान कर रही थी, लेकिन जब ध्रुव जी को भगवत भजन करने के लिए उनके मन में उत्साह दिखा तो स्वयं ने नारद जी को ही भेज दिया। नारद जी साक्षात संत स्वरूप, भगवान का ही स्वरूप मानो, अति हरि कृपा जा पर होई पाव देही संगत सोई। हमें भी यदि 84 लाख योनि भ्रमण करते करते, भागवतम के अंदर वर्णन है, भवाप वर्गो भ्रमतो जदा भवे जनस्य तरही अच्युत सत समागम, अरे यदि हमें इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 कभी भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, समझ लेना चाहिए भगवान की विशेष कृपा हुई है। क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी को भी मिल जाते हैं, घर में पैसा पुत्र सुंदर स्त्री ये पापी को भी प्राप्त होगा, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। जब नारद जी वहां पर उपस्थित हुए हैं, नारद जी ने भी सोचा ये सदशिष्य है ना, ऐसे ही निकल चुका है, इसकी पहले परीक्षा कर ली जाए। नारद जी उसको तरह तरह से डराने लगे, बोले पुत्र तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने भी कह दिया कि मेरी सौतेली माँ ने इस तरह से मुझे कटु वचन कहे हैं, मैं भगवान का भजन करने के लिए उनकी तपस्या करने के लिए जाऊंगा, अपनी माँ को राजमाता बनाऊंगा, अपने पिताजी से भी श्रेष्ठ पद को प्राप्त करूंगा और स्वयं राज सिंहासन पर बैठूंगा। नारद जी समझाने लगे, बोले तू 5 साल का बालक, कहां तेरे मन में सम्मान असम्मान का भाव, तू चल मेरे साथ चल, मैं तेरे पिताजी के पास में ले चलता हूँ, मैं तेरे पिताजी से बात करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा तब वो तुझे अपनी गोद में बिठा लेंगे। ध्रुव जी भी अब क्षत्रिय स्वभाव, क्षत्रिय पुत्र है ना, बोले आप सच वाले नारद हो ना, आप कोई बहुरूपिया हो? बोले क्यों? बोले हमने तो सुना था नारद जी संत हैं, और संतों का तो काम है जो भी भगवान का भजन करना चाहे उसको मंत्र आदि प्रदान करके भगवत भजन के पथ पर अग्रसर करते हैं, आप तो मुझे दोबारा भेज रहे हो। नारद जी भी समझ गए, बोले सच्चा चेला है, ये भी भगवान का भजन करने के उद्देश्य से ही निकला है। नारद जी ने उस समय पर उनको मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के द्वारा नारद जी ने बतलाया इसकी त्रिसंध्या करना, इसको सब समय और भगवान के किस स्वरूप का चिंतन करना है उसके विषय में भी बतलाया। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, कुंडल किरीटी धारण करे हुए, गले में कौस्तुभ मणि वक्षस्थल पर गले में माला है, और पद्म पलाश लोचन बड़े सुंदर सुंदर नयन है उनके करुणामय, ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का बतलाया। और नारद जी ने क्या कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायां तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। पुत्र तुम जाओ पुण्य मधुवन, मधुवन में जाकर यमुना के तट पर रहकर तुम भजन करो। देखो भजन करने के लिए अनुकूल परिवेश की बड़ी आवश्यकता होती है।
आप विचार करके यदि देखोगे, कहीं पर डीजे बज रहा हो, शादी गानी शादी के गाने बज रहे हो, उस समय पर कोई भगवान का चिंतन आता है? भगवान का भजन उस समय पर कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, पूरा विपरीत है, अनुकूल नहीं है। लेकिन वहीं पर यदि शांत माहौल हो और संतों का समागम यदि मिल जाए तो भगवान का भजन करना बड़ा ही सरल हो जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं, भगवान का भजन करने के लिए ध्रुव जी को दो विशेष वस्तुएं प्राप्त हुई, पहला यमुना का तट और दूसरा मधुवन। मधुवन की क्या विशेषता है? कहते हैं मधुवन में सानिध्यम नित्यता हरि, भगवान कृष्ण वहां नित्य विराजमान रहते हैं, वहां सुंदर सुंदर लीला करते हैं। इसलिए सूरदास जी का कीर्तन आपने सुना होगा ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहते हैं इस कीर्तन के अंदर कि मधुवन मोहे पठायो, ठाकुर जी गौचरण करते करते मधुवन में ही भ्रमण करते थे, अपने सखाओं के साथ में वहां सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। नारद जी कहते हैं कृष्ण वहां नित्य विराजमान है और यमुना का तुम्हें आश्रय मिला है, ये दोनों ही भजन के लिए बड़ी अनुकूल हैं। इसलिए ध्रुव जी ने वहीं पर आकर और यमुना जी का जल आकंठ पान किया और भगवान के जिस स्वरूप का नारद जी ने वर्णन किया था उसी स्वरूप का आंख बंद करके एक वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगे। तीन दिन में एक बार बेर और कपित का फल ग्रहण करते थे और भगवान का चिंतन करते थे। अभी पहला महीना तो इसी तरह से गुजरा, जैसे ही दूसरा महीना आया ध्रुव महाराज ने बेर इत्यादि भी परित्याग कर दिए, वृक्ष से जो पत्ते अपने आप झड़ जाते थे उन्हीं पत्तों को खा खा कर और भजन करना चालू किया। और छह दिन में एक बार, पहले तो तीन दिन में एक बार भोजन करते थे, दूसरे महीने में छह दिन में एक बार केवल पत्तों का भक्षण करते करते एक बार जब समाधि में बैठते तो उस भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते बाह्य आवेश ही नहीं रहता था। अभी जैसे तीसरा महीना आया, तीसरे महीने में पत्ते खाना भी बंद कर दिया और केवल मात्र जल पीते हैं, यमुना का जल पान करके, और जब एक बार समाधि में बैठते हैं 9 दिनों तक समाधि दर्शन, भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। चौथा महीना जब आया उस समय पर जल भी परित्याग कर दिया, केवल मात्र वायु का भक्षण कर रहे हैं। इस तरह से भगवान का भजन करते करते और पांचवें महीने में तो उन्होंने वायु भक्षण करना भी छोड़ दिया और उसके भजन का इतना तीव्र प्रभाव था, टीकाकार लोग वर्णन करते हैं कि मानो एक नाव के ऊपर हाथी हो, एक मदमस्त हाथी एक पैर से दूसरे पैर पर जब हिलता है, उसी प्रकार ध्रुव जी की स्थिति थी। ध्रुव जी एक पैर पर चढ़कर भजन कर रहे थे, जैसे ही एक पैर से दूसरे पैर पर घूमते थे मानो ये पूरी पृथ्वी कंपित हो जाती थी, इतना ध्रुव जी के भजन का प्रभाव, उनके शरीर से इतना दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा था, सारा त्रिभुवन उससे आलोकित हो रहा था, सारे इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि सभी देवताओं की वायु अवरुद्ध हो गई और सभी ने भगवान के पास जाकर प्रार्थना करी, हे प्रभु आप इसे दर्शन दो, जब तक आपका दर्शन प्राप्त नहीं करेगा तब तक इसे शांति प्राप्त नहीं होगी और इसके भजन के तेज से हम भी दग्धीभूत हो रहे हैं। भगवान ने भी उसी समय पर श्रृंगार करना चालू कर दिया, भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप में श्रृंगार कर रहे थे। लक्ष्मी जी प्रश्न करती हैं कि प्रभु आज इतना सुंदर बन ठन के जा कहां रहे हो? बोले मैं ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूं, दर्शन देने नहीं, भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान धावित होते हैं, इसलिए चतुर्भुज नारायण आज श्रृंगार करके मानव भक्त को दर्शन देने के लिए स्वयं मर्तलोक पर आए हैं। और ध्रुव जी जिस सुंदर स्वरूप का चिंतन कर रहे थे, भगवान ने एक क्षण के लिए उसी स्वरूप को वहां से अंतर ध्यान करके और बाहर वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी को जैसे ही भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, बड़े विचलित हो गए, विचलित होकर जैसे ही उन्होंने आंख खोली और सामने देखा भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर और वहां पर विराजमान है। ध्रुव जी ने इतना सुंदर स्वरूप देखकर बड़े आनंदित हो गए, अपने दोनों आंखों से भगवान के उस पद्म पलाश लोचन सुंदर स्वरूप के रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं, मानो मनी मन ठाकुर जी को आलिंगन कर लिया और उस रूप को आंखों में ही बसाकर पूरे हृदय में ले गए। अभी चाहते हैं भगवान की स्तुति करना, लेकिन 5 साल का बालक कुछ ज्ञान तो है नहीं। भगवान ने उनकी इच्छा जानकर क्या किया, अपना पांचजन्य शंख उनके कपोल पर स्पर्श करवा दिया और जैसे ही कपोल पर स्पर्श करवाया दिव्य स्तुति ध्रुव जी ने गान की है। यो अंत्य प्रविश्य मम वाचमी मां प्रसुप्तम संजीवती अखिल शक्ति धरा स्वदाम नाम
अन्यश्च दोष गुण चिंतन। कहते हैं यो अंत्य प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तम। हे भगवान, हे पद्म पलाश लोचन नारायण, मेरी इंद्रियां तो सुषुप्त थी, ये सोई हुई थी, लेकिन आपका दर्शन करने मात्र से ही क्या हुआ है, आप मानो मेरे हृदय में आ गए हैं और आपके स्पर्श से, आपके दर्शन से मेरी सारी इंद्रियां चेतनता को प्राप्त हो गई है। अरे हमारी ज्ञानेंद्रियां यद्यपि जड़ भोग की ओर आवृत होती है, आंख, ये आंख हमेशा सुंदर दर्शन करना चाहती है, हमारी जिह्वा सब समय अच्छे अच्छे रसों का आस्वादन करना चाहती है, कान सुंदर शब्द सुनना चाहता है, लेकिन ये सब जड़ भोग की ओर धावित होती है। लेकिन भगवान का दर्शन करने से मेरी सारी इंद्रियां मानो जैसे संजीवनी का स्पर्श होकर चेतनता को प्राप्त हो गई है। इतनी सुंदर ध्रुजी ने स्तुति करी है, भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कुछ वर मांग लो। भगवान तो जानते हैं, भगवान घटघट वासी है ना। ध्रुव जी किस याचना से आए थे? ध्रुव जी को अपनी सौतेली माँ ने जब डांट दिया था तो पिताजी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा से आए थे। क्या इच्छा थी? अपनी माँ को राजमाता बनाऊंगा। लेकिन भगवान ये जानते थे, जब ध्रुव जी से कहा वर मांगो, ध्रुव जी कहते हैं स्थानाभिलाषी तपसे स्थितो हम त्वं प्राप्त वंदेव मुनिन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन् अपि देव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरम नयाचे। प्रभु यदि कोई कांच का टुकड़ा ढूंढते ढूंढते किसी को मणि प्राप्त हो जाए तो क्या उसके हृदय में और कुछ मांगने की इच्छा रहेगी? उसको तो कोई इच्छा रहेगी नहीं। आपका ये सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के बाद में, आपका ये रूप तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन आपने क्या किया है, मुझे उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करवाया, और आपका सुंदर स्वरूप दर्शन करने के बाद में कृतार्थ अस्मि, अरे मैं कृतार्थ हो गया, वरम न याचे, मुझे और कोई वर की इच्छा ही नहीं है। कहा मैं एक तुच्छ राज्य की इच्छा से आया था, एक राज्य को बताया मानो एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन आपका दर्शन जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मुझे मानो एक माणिक के हीरा प्राप्त हो गया है, इसीलिए वरम न याचे, वरम न याचे, मुझे और किसी वर की आवश्यकता ही नहीं, और किसी वर की इच्छा ही नहीं है। देखो यहाँ एक बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं, अगर मांगना हो तो भगवान से ही मांगो। यदि देवी देवताओं के पास में जाकर झोली फैलाओगे तो तुम्हारी इच्छा वस्तु हो सकता है प्रदान भी कर दे, लेकिन उस वस्तु को प्राप्त करके हमारा मंगल होगा ना अमंगल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक छोटा बच्चा, उसके पास में 100 का नोट था, उसने क्या किया, कहीं पर सुना था कि विष बड़ा बढ़िया होता है खाने में, तो क्या किया उसने दुकान पे गया और दुकान वाले से उसने विष मांगा। दुकान वाले को तो पैसे से मतलब है, उसने पैसा लिया और बच्चे को विष दे दिया। अब वो विष खाने के बाद में बच्चे का मंगल होगा ना अमंगल होगा? लेकिन उसी के विपरीत वो अपनी माँ से मांगा, बोले माँ मुझे विष दे दे, मुझे विष खाना है। क्या माँ उसे विष देगी? माँ उसे चाटा मार के लिए बोले विष क्यों, ले लड्डू खा, मालपुआ खा, विष कोई खाने की वस्तु है? उसी प्रकार भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे माता हैं, अगर उनसे हम कोई वस्तु मांगेंगे वो हमें कभी भी अमंगल वस्तु प्रदान ही नहीं करेंगे, हमें वही वस्तु देंगे जिससे हमारा पूर्ण मंगल हो। इसलिए और भगवान सब घटघट वासी हैं, भगवान हमारी इच्छाएं जानते भी हैं, इसलिए मांगना हो तो एकमात्र बांके बिहारी से मांगो, कृष्णचंद्र से मांगो। यहाँ पर ध्रुव जी को यद्यपि इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान कहने लगे पुत्र तुम कुछ न कुछ मांग ही लो। ध्रुव जी कहते हैं भक्तिर्मुहु प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाश्रयानाम येनांजसो लवणोर्वसनम भवाब्धिम नेशे भवद गुण कथा मृतपान मत्तम। प्रभु देना चाहते हो तो ये दे दो। बोले क्या? भक्तिर्मुहु प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो, देना चाहते हो तो अपने भक्तों का संग मुझे प्रदान करो। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान सामने खड़े हुए हैं और उनसे भक्तों का संग मांग रहे हो। नारद जी का संग तुम्हें प्राप्त हुआ था, उससे ही तो भगवान मिले हैं, फिर वापस भक्तों का संग क्यों चाहते हो? तब यहाँ उत्तर देते हैं कि यदि मुझे भक्तों का संग मिल गया तो उसमें क्या होगा, सब समय आप ही की चर्चा होगी, आप ही की कथा कीर्तन में रहते रहते क्या होगा, तुम्हारी ही कथाओं में मैं रम जाऊंगा पूर्ण रूप में। मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। आपके भक्तों की यही तो खासियत है, सब समय आपके दिव्य गुणों का, आपके स्वरूप का चर्चा करते रहते हैं और उसी में पूर्ण रूप में मग्न रहते हैं, इससे होगा क्या? बोले ये जो भव सागर है, इस भाव सागर को हम अनायास ही पार कर लेंगे,
ध्रुव महाराज मानो बड़े गर्वान बड़े आस्फालन करते हुए बड़े गर्व से कह रहे हैं, बोले भवसागर क्या है? मानो एक गाय का बछड़ा जिस प्रकार पैर रखता है ना, तो उसके पैर रखने से गड्ढा हो गया हो, उस गड्ढे में कितना पानी आएगा? बहुत ही अल्प। तो इस भवसागर भी उस एक अल्प पानी के समान हो जाएगा और इसे हम अनायास ही पार कर लेंगे यदि आपके भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो जाए। ध्रुव जी ने इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करी। भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारी जो इच्छा थी मैं जानता हूँ, दिव्य 36,000 सालों तक तुम राज्य का भोग करोगे। तुम्हारे जाते ही तुम्हारे पिताजी तुम्हें राज्य अभिषेक कर देंगे और 36,000 साल राज्य ऐश्वर्य भोग करने के बाद में तुम्हारे लिए भी एक ध्रुव लोक की मैंने सृष्टि करी है, उस ध्रुव लोक में तुम रहोगे। महाप्रलय होने पर भी ये ध्रुव लोक नाश नहीं होता। आज भी देखो हम जो ध्रुव तारा देखते हैं वो साक्षात ध्रुव जी का ही लोक है। इसलिए भगवान का ये वर प्राप्त करके ध्रुव जी बड़े खिन्न मन से बड़े दुखी मन से और आ रहे थे। कहां भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और कहां भगवान ने ये जड़ जगत की भोग सामग्री, कहां ये जड़ जगत का राज्य लेकर मुझे मानो एक बंधन में बांध लिया। अभी दुखी होते होते जैसे घर की ओर आ रहे हैं, उत्थानपात राजा ने पिताजी ने भी उनका स्वागत किया। सुरुचि और सुनीति दोनों माताएं प्रसन्न हो गई। कहते हैं ना, जापर कृपा हरि की होई, तापर कृपा करे सब कोई। अरे जब भगवान उससे प्रसन्न हो गए तो सुरुचि और सुनीति जो उनकी सौतेली माँ थी वो भी प्रसन्न होकर और ध्रुव जी का स्वागत करती हैं। अभी उस समय पर 36,000 सालों तक राज्य करने के बाद में ध्रुव जी देख रहे हैं मृत्यु साक्षात वहां पर भ्रमण कर रही है। प्रश्न किया कि तुम कौन हो? बोले प्रभु आपका समय पूर्ण हुआ है, भगवान ने जिस प्रकार आपको वर दिया था 36,000 साल पूर्ण हुए हैं और इस जड़ शरीर को परित्याग करने के लिए मेरा आश्रय लेना ही पड़ता है, मैं साक्षात मृत्यु हूँ। तो ध्रुव जी ने उसी समय पर देखा वैकुंठ से विमान आया है और सुन रहे थे ना अभी, कोई भी वैकुंठीय वस्तु धरती पर स्पर्श नहीं करती, उससे ऊपर रहती है, चाहे देवता हो चाहे देवताओं के विमान हो। अभी वो विमान तो ऊपर था, ध्रुव जी अपनी उसी समय पर संध्या कर रहे थे, उन्होंने अपनी संध्या वंदना पूर्ण करी है और जैसे ही रथ पर आरूढ़ होंगे मृत्यु से कहा आओ तुम्हें भी मैं सेवा में नियुक्त करूंगा। मृत्यु के सर पर पैर रख के और रथ पर आरूढ़ हुए हैं और जाने से पहले स्मरण आ गया कि अरे आज मुझे ये परम पद जो प्राप्त हो रहा है ये तो मेरी माँ के कारण है, यदि मेरी माँ मुझे शिक्षा नहीं देती भगवान का भजन करने के लिए तो क्या आज मुझे ये ध्रुवलोक प्राप्त होता? नहीं होता। विष्णु दूतों से कहने लगे कि रुको रुको मैं अपनी माँ को भी अपने साथ में लेकर जाऊंगा। विष्णु दूत कहने लगे कि जिस माँ के गर्भ से तेरे जैसा भक्तिमती संतान उत्पन्न हुई हो उस माँ का वैकुंठ जाना क्या बाकी रह गया हो? देख, दिखा दिया विष्णु दूतों ने, देखो तुझसे पहले तेरी माँ वैकुंठ जा रही है। सुनीति वहां पर उसके लिए अलग रथ में पुत्र से पहले ही वैकुंठ को गमन कर ली। ध्रुव महाराज भी यहाँ पर बड़े आनंदित हुए और यहाँ पर टीकाकार लोग बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। देखो यदि पुत्र ध्रुव जैसा भक्तिमान हो तो तुम्हारे लिए और कुछ कृत्य बाकी ही नहीं रह गया हो, पुत्र के जाने से पहले तुम भगवान के धाम को गमन करोगे, है ना? रामायण के अंदर वर्णन आता है जब भगवान वन को जाएंगे, सीताराम वन की ओर जाएंगे, लक्ष्मण जी ने भी कहा कि मैं भी जाऊंगा, प्रभु राम कहने लगे कि मैया से पूछ के आओ। अभी लक्ष्मण आते हैं सुमित्रा के पास में, बोले प्रभु राम मैया सीता की सेवा के लिए मैं उनके साथ वन में जाना चाहता हूँ। सुमित्रा बड़ी आनंदित हो गई और आशीर्वाद देते हुए कहती है कि जाओ बेटा, आज तुम्हारे जैसा पुत्र को मैंने अपने गर्भ में धारण किया, मेरी कोख सार्थक हो गई। कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। हिंदी समझते हो ना, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। अरे इस संसार में वो ही माँ पुत्रवती है, उसी माँ को पुत्र जन्म देना सार्थक हुआ, रघुपति भक्ति जासु सुत होई, जिसके सुत ने जिसके पुत्र ने भगवान का भजन कर लिया, रघुपति की भक्ति कर ली। दूसरी लाइन में कहते हैं यदि ये ना किया तो बोले बांझ रहो, क्यों पुत्र जन्म दे रही हो? 9 मास तक पुत्र को गर्भ में धारण करोगी, प्रसव पीड़ा इतनी असहनीय पीड़ा सहन करके उसे जन्म दोगी, इतना खिला पिला के मुंह का अन्न निकाल के उसको खिलाती हो, इतना लालन पालन करोगी और अंत में भगवान का भजन यदि ना किया तो उसके कारण तुम्हें भी नर्क जाना पड़ेगा। इसलिए सुमित्रा सावधान कर देती है, बोले यदि पुत्र को भगवान के भजन में नहीं लगा सके तो बांझ रहो, जन्म देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सार्थकता किसकी है? उसी माँ का गर्भ धारण करना सार्थक है जिसने अपनी संतान को भगवान के भजन में लगाया। आज ध्रुव महाराज भी अपनी माँ आगे जा रही है उसके पीछे पीछे,
भगवान के धाम को गमन किए हैं और ध्रुवलोक में नित्य विराजमान हैं। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की, बोलो श्री ध्रुव महाराज की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय। जय श्री राम। देखो प्रभु जी अभी बताए ना, उसी माँ को बच्चा जन्म आता है अगर वो बच्चा भगवान की भक्ति करे। इसको ध्यान से सुनो, अगर वो बच्चा भगवान की भक्ति करे तभी माँ को बच्चा जन्म देना सार्थकता है। लेकिन बच्चा अगर भक्ति नहीं किया, देखो एक छोटी सी कथा सुन लो। बोले एक समय कोई एक जोगी स्वर्ग में पहुंचा। एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके उसने स्वर्ग में गया और रत्न सिंहासन में उनकी पूजा हो रही थी और अफसर यहाँ उसको चामर व्यंजन कर रही थी। लेकिन वो स्वर्ग में बैठी बैठ कर वो व्यक्ति रो रहा था। तो वो जोगी ने पूछा, भैया तू इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया, रत्न के सिंहासन में बैठे और चामर व्यंजन हो रही है तुम्हारी, यहाँ रो रही क्यों, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? देखो ध्यान से सुनो कितनी अच्छी शिक्षा है। बोले देखो मैंने पैसा कमाया, मैंने पुण्य तो की है, इसलिए स्वर्ग में आया। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले बच्चों को मैंने प्रभु की भजन में नहीं लगाए। अब मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था, बच्चे उससे शराब पी रहे हैं, बच्चे उससे मांस खा रहे हैं। चूंकि मैंने ही वो पैसा कमा करके आया था, मेरे पैसा को ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ना। समझ रहे कि नहीं? अगर तुमने बच्चे जन्म दिया, अगर वो बच्चा गलत रास्ता पर जा रहा है, कहते उसका पाप भी तुम्हें लेना पड़ेगा। क्यों? जन्म तुमने दिया, अब पैसा तुम्हें छोड़ कर गए हो। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे, बोले भैया बच्चे के लिए ज्यादा पैसा कमा कर मत जाया करो, क्योंकि बच्चा अगर होनहार होगा तो कमा ही लेगा, लेकिन वो अगर नालायक बनेगा ना, तुमने जितने पैसा तुमने कमा करके गए हो, सारे पैसा को बच्चे शराब जुआ खेल करके बर्बाद कर देंगे। मैं तो सारा दुनिया में जाता हूँ, एक व्यक्ति कथा सुनकर मेरे पास में आए। देखो ये सही कथा है, ध्यान देकर सुनो। मेरे पास में आए, बोले पिता बाबा आप सही बता रहे थे। बोले क्या है? बोले IPL आता है ना क्रिकेट, बोले 5 मिनट में मेरे करोड़ रुपया मेरे बच्चा बर्बाद कर दिया, 6 रन रह गया। उसमें दाव लगाते हैं कौन पार्टी जीतेगा, लगा दिया सारे पैसा को, जिंदगी में मैंने जो पैसा कमाया था उसने लगा दिया जुआ में और हार गया, गया। बोले जिंदगी भर पैसा हमारी गई। इसलिए समय मिले तो क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। ठीक है माताओं, इसलिए क्या करना, जितने माताएं बैठी हैं सवेरे सवेरे बच्चों को बोलना, बेटा एक माला तू जप। कल हम लोग एक माला जप कर रहे थे ना, बच्चों को बोलना बेटा एक माला तू जप कर। आप बोलोगे बच्चे बात नहीं सुनते, क्या नहीं करते हैं? बच्चे बात नहीं सुनते, एक ही बच्चे बात नहीं सुनते हैं, हैं? इसे बच्चा क्यों बात नहीं सुनता है? कारण है, हम पहले बताए ना, उसको तुम रामायण नहीं पढ़ाते हो, खुद भी रामायण नहीं पढ़ते, बच्चे को भी रामायण नहीं पढ़ाते हो। क्योंकि रामायण में ही बताया है, सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छुओ, पिता जब उस शयन किए हुए पिताजी की चरण दबाओ, कहां पर सिखाया? ये रामायण हमें सिखाती है। इसलिए खुद तो रामायण पढ़ाई नहीं, स्मार्टफोन लेकर दिन भर तुम बैठियो तो बच्चे को स्मार्टफोन भी पकड़ा है, पबजी देखेगा तो क्या करेगा? इसलिए पहला गुरु पिता माता है। अगर आप भजन करोगे तभी तो बच्चे भजन करेगा ना, अगर तुम भक्ति नहीं करोगे बच्चों को संस्कार कहां से पड़ेगा? इसलिए क्या करो, बच्चे को बोलो बेटा 10 मिनट दो। कितना समय दो? 10 मिनट दो, एक माला करने के लिए 10 मिनट लगेगा। देखो आप बोलोगे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, देखो जैसे बच्चे को मानो 7 बजे इसको स्कूल भेजना है, अब बच्चों को कितना बजे उठाते हो? 6 बजे तो उठाओगे उसको, जोर जबरदस्ती उठा दे स्कूल जाना है, जोर जबरदस्ती उठा दो, उसको तैयारी करते हो, टिफिन देते हो, स्कूल भेजते हो। ये बच्चा बिगड़ता है कहाँ पर? घर में बिगड़ता है ना, स्कूल कॉलेज में बिगड़ता है। कहाँ पर जाकर शराब पीना सीखता है? कहाँ पर जाकर सिगरेट फूंकना सीखता है? कहाँ पर गंदी चीज को सीखता है? सब स्कूल कॉलेज में बिगड़ता है, घर में कोई बच्चा कभी नहीं बिगड़ता है। पिता माता तो बच्चे को अच्छे शिक्षा देते हैं, वो स्कूल कॉलेज में ही बिगड़ता। जब वो बिगड़ने के लिए आप इसको जोर जबरदस्ती भेजते हो, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना,
फिर बच्चा क्या कहता है, तू बेवकूफ, तू क्या जानते हो, हमने इतने लिखे बड़े सीखे, हमने इतने लिखे बड़े, इतना लिखा बड़ा सिखा देते हो, बच्चे पिता माता को गाली देते, तू क्या जानते हो बेवकूफ, तू अनपढ़ हो। भैया उसी के लिए जब भेज सकते हो, क्या 10 मिनट उसको भगवान के भजने के लिए नहीं भेज सकते। कल मैंने इनके घर में एक सुंदर कथा सुना, इधर आ जाओ, आप आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, नहीं आप भी आओ। मैंने देखो, मैंने इनको इनके घर में कल हमने कथा की थी, सत्संग की थी, रात को कीर्तन की थी, हमने एक सुंदर छोटी सी कथा सुनाई, हमको भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरत भक्ति करने का। इसलिए मैंने क्या स्टोरी सुनाई, हमारे प्रभु जी सुनाई, क्या नाम है, अनुभव, क्या अनुभव अभी सुनाएगा। हाँ कृष्णा, इधर आए खड़े हो गए, सभी को प्रणाम। गुरुदेव कल कथा सुना रहे थे, आप लोग हम लोगों को घर में बुलाओ, घर में सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, जिस घर में सत्संग कीर्तन हो कहते पृथ्वी का सारी तीर्थ हो जाती है। कल इनके घर में हम सत्संग की कीर्तन की, सबको समझाए, भगवान को भोग लगाओ, खाओ, हरिनाम करो, ये सबके सब लोग माला लिए हैं, भले हम सबके सब माला जब करेंगे हैं, इसलिए घर में संत लोग आए ना, इसलिए आप लोग भी अगर बुलाओगे तो आप भी घर में हम आए। तो बोलो बोलो, ठीक से गलती होगी तो उसे सही कर देना, ठीक है। एक भिखारी था, वो हट्टा कट्टा, उसके दोनों हाथ सही सलामत है, पैर ठीक है, आंख सही काम कर रही है, वो भीख मांगता घूमता था सभी जगह। तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिनको बहुत सारे जमीन, बिजनेस, सब चीज़ एकदम सबसे अच्छा, तो उनके पास गया वो कि आप मुझे भीख मांगने के लिए उनके घर पे गया। तो उन्होंने कहा कि यार तू इतना अच्छा दिखता है, सब चीज़ तेरे पास है, तो क्यों भीख मांगता हुआ घूम रहा है, कुछ काम करो, पैसा कमाओ, ऐसा उन्होंने उसे समझाया। लेकिन उन्होंने कहा, उसने कहा कि मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं यही काम करता हूँ, भीख मांगने का ही काम करता हूँ। तो जिनके घर पे वो भीख मांगने गए, उन्होंने उसे कहा कि तू मेरा सब कुछ ले ले और मुझे 10% देना, मेरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री, मेरा जितना जमीन है, उन सब पे तू काम कर, और उसमें से जो भी कमाई होगी उसका 10% हिस्सा मुझे दे देना, बस बाकी तू सब काम तू ही कर, 90% तेरा है, 10% मुझे दे दे, पैसा भी मैं लगाऊंगा, सब जमीन मेरी है, बिजनेस मेरा है, केवल तुझे काम करना है, और जो भी उससे इनकम होगा उसका 10% मुझे देना है और 90% तुझे खुद को रखना है। तो ऐसा तय हुआ, एक महीना हुआ, एक महीने में जो कमाई हुई उसमें से उसने एक भी पैसा उसे नहीं दिया, सब कुछ 100% का 100% अपने पास रख लिया। दूसरे महीने में भी ऐसा ही हुआ, वो भी सबका सब अपने पास रख लिया। 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने, जब 6-7 महीने हो गए और 1% भी पैसा उस फकीर ने उस अपने मालिक को नहीं दिया, जितना सब कुछ देने के बाद भी 1% पैसा उसे रिटर्न नहीं किया। तो वो जिसने सब कुछ उसे दिया था, वो जो बड़े बिजनेसमैन थे, वो उस भिखारी के पास पहुंचे कि भाई तो 1% भी देने नहीं आया, हमारा तो 10% का एग्रीमेंट हुआ था, इतनी कमाई तेरी हो रही है, कम से कम 10% एक महीने में तो दे, दूसरे महीने दे दे, तीसरे 6 महीने हो गए एक भी पैसा नहीं दिया। तो ये हेलो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 10% का एग्रीमेंट हुआ था, आपने मुझे 1% भी नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि तुझे, उसे समझ ही नहीं आया कि ये 10% का मतलब क्या है। तो 100% हजम करने वाले हम ही, वो भिखारी हम ही, इसलिए भगवान हमें, सुना, जब उसने उसको पास में 6 महीना बीत गई, उसने कहा महीना पूरी होने से पहले तेरे को 10% दे दूंगा, लेकिन 6 महीना बीत गई लेकिन वो देने के लिए नहीं आया। जब उसको पास में गया, पूछा तू मेरे को जानते हो, बोले तू कौन हो, तू कौन हो, बोले कौन हो, तू भीख मांगते मांगते मेरे दरवाजा पर आया था ना, तेरे को सारे बिजनेस थी, डील क्या हुई थी, 10% मेरे को देना और 90% तू देखना, तू लेना, लेकिन 6 महीना बीत गया तू 10% भी देने के लिए नहीं आया। तब वो व्यक्ति कहता है किस चीज की 10%, तू होता है कौन, तेरे को हम क्यों 10% दे,
कमाऊंगा धमाऊंगा मैं और बैठ बैठ कर तेरे 10 वर्ष में क्यों दूंगा। अगर ऐसे कोई व्यक्ति बोलता है, आप बताओ वो व्यक्ति को आप क्या बोल सकते, ये व्यक्ति कौन है, क्या बोलोगे, क्या बोलो, चोर, क्या ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे, धोखेबाज, कंजूसी, इसलिए देखो हम उसको क्या बोलेंगे, धोखेबाज, बेईमानी है, यही बोलेंगे उसको, यही बोलेंगे ना। देखो वो व्यक्ति और कोई नहीं, हम ही है, वो व्यक्ति हम ही है। आप बताओ जब हमारी जन्म हुई हम साथ में क्या लेकर के आए थे, कोई दुकान, कोई मकान, घर, कुछ लेकर के आए थे, जो कुछ इसी दुनिया में मिला किसकी कृपा से मिला, ये सब चीजें भगवान ने सब कुछ दिया है। इसलिए भगवान, इसलिए सूरदास का एक पद है, सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम को न कुटिल थलखानी। सूरदास का पद है, बोले जिसने तुम्हें ये मानव शरीर दिया, तेरे को अंधा लंगड़े लूढ़े बनाया नहीं, बढ़िया शरीर, हट्टे कट्टे शरीर दिया, जिसने बुद्धि दिया, दुकान मकान सब कुछ ठाकुर तुमको दिया, उसकी कृपा से तो सब कुछ मिले है ना। ठाकुर जी कहते मेरे को 10% दो, 10% तो पैसा नहीं मांग रहे हैं, 10% ठाकुर जी कहते हैं समय, जैसे दिन रात मिलकर 24 घंटा, 24 घंटा में अगर 10% निकालेंगे तो कितना समय होता है, बोलो कितना समय हो जाए, 2 घंटे 40 मिनट होता है उसमें। ठाकुर जी कहते भैया मेरे को तो कम से कम सवेरे नहा दो करके 2 घंटे 40 मिनट तो मेरे को दो, लेकिन हम ऐसे कुटिल खल है, हम कहते तेरे को हम समय क्यों दे, स्मार्टफोन देखो तो 3-3 घंटा चल जाती है, टीवी देखो तो 3-3 घंटा बैठ कर देखते हैं, इधर उधर की बात कर तो पता नहीं कैसे समय निकल जाती है, लेकिन ठाकुर जी कहते भैया थोड़ी समय तो मेरे को दो, सब कुछ मैंने तेरे को दिया, सब कुछ है, सब कुछ मैंने तेरे को दे दिया। इसलिए ठाकुर जी क्या चाहते हैं, हमें 10 मिनट समय, हमको 10% समय दो, मतलब 10% मेरे भजन करो, ठीक है ना। अगर 10% नहीं दे सकते हो भैया, उसको 5% दे सकते हैं, कौन देगा 5%, हाथ उठाओ तो, समय वो चाह रहे, तुमसे पैसा नहीं मांग रहे, वो समय चाह रहे, हमें 5% दे, कौन देगा, हाथ उठाओ जोर से, कोई हाथ नहीं उठा रहा, क्या चक्कर है, हाँ हाँ। इसका मतलब है सवेरे नहा धो करके, सवेरे नहा धो करके ये माला लेकर के, ये जो भगवान का नाम है, क्योंकि कलयुग में ठाकुर जी सबसे सरल उपाय रखे, भगवान जानते हैं कलयुग का जीव ज्यादा परिश्रम कर नहीं सकते हैं, सबसे सरल उपाय है सवेरे उठो और ये माला को लेकर के भगवान की हरि नाम थोड़ी समय करो है। कल मैंने बताया था ना, क्या बताया था, महाप्रभु कहते हैं जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करेंगे, लखपति मतलब क्या है, जो 1 लाख ठाकुर जी की नाम को जप करेगा वही असली लखपति है। इसलिए क्या करना, हमको कम से कम 5% दो, अगर 10% नहीं दे सकते 5% दो, अगर 5% नहीं दे सकते 2% दे सकते हो, इतना तो दे सकते कि नहीं, इतना तो दे सकते हैं, ठीक है ना, हाँ हाँ, क्या हाँ, दो वाले कम से कम हिसाब कर कितना होता, आधा घंटा दो सकता है, हैं? प्रभु जी कह रहे आधा घंटा वाले कितने, 2% कौन कर देना चाहते हैं, अभी तो माता है 10% देना चाह रहे हैं, 5%, अच्छी बात है। सवेरे उठ करके कल महाप्रभु बोले ना, असली लखपति कौन है, जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं, मैं कल बताया था ना, इसलिए अभी भी हम बैठ करके थोड़ा भगवान की नाम जप करेंगे, ठीक है। देखो एक बार देख लो माला को, ये माला है, माला मतलब क्या, मनम लाती थी माला, जो ये मन को विषय से हटा करके भगवान की भजन में ला दे, इसलिए इसका नाम माला है। जैसे ही माला में मेरे साथ में सबके सब बोलो, बोलो हरे कृष्ण, बोलो सबके सब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ बोले ना, जैसे ये 16 बार हो गया नाम, इसको 108 बार अगर 16 राउंड कर लिया तो 25,000, अगर 64 राउंड कर लिया तो 1 लाख है, 1 लाख। इसलिए सबके सब एक एक माला ले लो, एक एक माला जप करो, फिर प्रसाद, आज ये प्रसाद किसने दिया भैया,
मनोज मनोज क्रम सिंह क्रम सिंह हाँ आज जो अकेले दिए उन्हें ये जो प्रसाद आज अकेले हैं ये मनोज क्रम सिंह से तरफ से उनके लिए ताली बजाओ इन्होंने सबके लिए आज अकेले की प्रसाद दिया अगर आप लोग भी कोई देना चाहते हो आप भी दे सकते हो फटाफट बांटो ये माला सब वापस दे जाना कोई लेना नहीं इधर इधर दो बच्चा इसलिए उनका नाम हरि से हरि कृष्ण मतलब इधर सुना मत आए बात मत करो कृष्ण मतलब मन बड़ा चंचल है भटकता है मन को शांति नहीं मिलती है लेकिन कृष्ण नाम लोगे ना जो अशांत मन को शांति मिलेगी राम मतलब क्या जीवन में आराम जीवन में आराम अगर ये हरि नाम करोगे दुख दूर जाएगा मन को शांति मिलेगी और जीवन में हमें आराम मिलेगी ठाकुर का नाम से ये एक अर्थ इसकी दूसरा अर्थ समझ लो ये हरे मतलब होता है ये राधा रानी का नाम हरे हरा से ये हरे हरे मतलब है राधिके कृष्ण मतलब कृष्ण राधे कृष्ण इसमें हरे राम हरे मतलब हो गया राधा रानी ये जो राम शब्द है कृष्ण राधा जी को साथ में रमण करते हैं इसलिए उनका नाम भी राम है इसलिए सब से बैठ करके भगवान के नाम लो और जोर जोर से लेना जो हरि नाम करेगा उसको तो पाप उड़ जाएगी लेकिन उड़ करके जाएगा कहाँ जो करेगा नहीं इसलिए मत समझो हमारे पास में माला नहीं हम चुपचाप बैठेंगे चुपचाप नहीं बैठना सभी का पाप तुम्हारी सर पर जाएगा सबके सब आग बंद करके मेरे साथ में जप करो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, खत्म हो गया ना। हाँ, सब माला को इकट्ठे कर लो, सबके सब वापस दे देना, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा, सबके सब वापस देगा माला, जिसको इच्छा होगी हम बाद में देंगे। हरे कृष्ण सब माला। हाँ प्रभु जी, अब एक बार, हाँ देखो, और 5 मिनट कथा सुन लो, 5 मिनट कथा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ, और 5 मिनट कथा सुन लो, उसके बाद में कीर्तन, फिर प्रसाद लेकर सबके सब जाना। हाँ देखो, जिस समय श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, श्री पांडवों ने परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक करके महाप्रयाण में चले गए। एक दिन श्री परीक्षित महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे, कोई मेरे देश में मानो कोई अमंगल हो रहा है। तब उन्होंने अपना चतुरंगिणी सैनी को लेकर के घूमने के लिए गए, मेरे देश में कहां पर अनहोनी हो रही, ध्यान देकर सुना। तब उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही। देखा एक बैल का 3 प्यार नहीं और 1 प्यार में खड़ा हुआ एक राजा, शूद्र राजा, उसको 1 प्यार को भी
डंडे मार मार करके उसको भी तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था और वो भी विष्टामूत्र को परित्याग कर रहा था। परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया, मैंने से तलवार निकाली और उसको ऊपर झपट पड़े, बोले तू कौन है, बोलो मेरे देश में गैया को ऊपर इतना अत्याचार किया है। बोले ये जो गैया रो रही थी ये पृथ्वी, क्योंकि कृष्ण चले गए अभी ये कलयुग आएगा, कलयुग में लोग बड़े पाप कर्म करेंगे इसलिए पृथ्वी दुखी हो रही है, ये पाप को मैं सहन कैसे करूं। बोले तुम कौन हो जिसका तीन प्यार नहीं और एक प्यार में तुम खड़े हुए हो। बोले ये है साक्षात कली है। बोले तुम क्या कर रहे हो। बोले ये धर्म है, धर्म का चार चरण है, सत्य तृतीय द्वापर तीन युग बीत गया, अभी धर्म का तीन चरण खत्म हो गई। कली युग में धर्म केवल दान के ऊपर खड़ा हुआ और ये जो कली युग ये कोशिश कर रहा था, ये कली युग में कोई धर्म कर्म रहे नहीं, कली युग में केवल पाप ही पाप छा जाए। परीक्षित महाराज बोले देखो जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हारी कोई प्रवेश नहीं। बोले बताओ मैं फिर कहाँ रहूं। बोले कहीं जाना, जहां जाना तू चला जा। बोले ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर मैं आपकी राजोत्ते हैं, मैं जहां जाता हूं वहीं पर आपको धनुष धारण करते हुए देखता हूं। जब सबको आपने स्थान दिया मेरे को भी स्थान दिया देव। परीक्षित महाराज देखे बोले यद्यपि ये कलियुग में सारे पाप ही पाप है लेकिन ये कलियुग में एक धर्म भी है। ध्यान देकर सुनो। बोले कलियुग में क्या विशेष धर्म है। बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम बद्ध परम ब्रज। कलियुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं। कलियुग में थोड़ा भगवान के नाम को जप कर लो बास उद्धार हो जाएगी। कलियुग में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। लेकिन दूसरे युग में भगवत प्राप्ति बड़ा ही कठिन था, बड़ा ही कठिन था। लेकिन कलियुग में सबसे उन्होंने सरल उपाय को रख दिए, भगवान की नाम को जप करो। लेकिन कलियुग में तो प्रभु का नाम से मुक्ति मिलेगी। ध्यान देकर सुना। लेकिन परहेज लिए। क्या परहेज है। जैसे आपको कोई बीमारी है आप किसी अच्छे डॉक्टर को पास में गए, डॉक्टर सचमुच से आपको बीमारी सही करना चाहता है। बोले देखो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूं लेकिन अगर परहेज को साथ में दवा ग्रहण करोगे तो फिर दवा जल्दी असर करेगी। अगर बगैर परहेज को दवा लोगे, दवा तो खाओगे लेकिन तुम्हारी ये दवा कोई काम नहीं करेगा। अच्छे तरह से सुनो ध्यान देकर के। इसलिए कलियुग में चार नियमों का पालन करने का और भगवान का नाम जप करने का। बोले चार नियम क्या है। पहला नियम है जुआ नहीं खेले। क्या नहीं खेलनी चाहिए, क्या नहीं खेलनी चाहिए, जोर से बोलो। बच्चों को भी जुआ खेलने नहीं देना। इसलिए स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से क्या दिया, देखो मैं धर्म स्वरूप हूं लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हुई। पहले दाव में लगा दिया राज्य को, राज्य गया, फिर लगा दिया भैया को, भैया भी गए, लास्ट में उन्होंने द्रौपदी को भी जुआ में लगा दिए। आप लोग महाभारत देखे कि नहीं, भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण देखना पड़ा हमें, फिर 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा और 1 साल अज्ञात वास में रहना पड़ा। मतलब है अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलेगा ना, देखो जुआ खेल कर कभी तो कोई बड़े व्यक्ति नहीं हुए, इसलिए कभी भी भैया जुआ में हाथ मत लगाओ। अगर इतने नीचे उतरने का इच्छा है तब जुआ में हाथ लगाओ, नहीं तो खबरदार ये जुआ में कोई भी बड़े नहीं बने। जुआ में जैसे पैसा आएगा ना वैसे ही चली जाती है। इसलिए भगवान ने जो दिए उसमें खुश रहो, खुश रह करके भगवान की भजन गाओ, रोटी सब्जी खाओ, भगवान की गुण गाओ, ठीक है ना। पहला नंबर इसको करने से क्या होगा, धर्म का पहला चरण सत्य है वो सत्य नष्ट हो जाएगा। क्यों, आप देखना जो जुआ खेलते हैं ना वो कभी सच नहीं बोलते हैं, झूठ को करे झूठ बोलते रहेंगे। भैया कुछ उधार दे दो, बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, कभी उधार देते ही नहीं है। इसलिए जुआ नहीं खेलनी चाहिए। दूसरा नंबर है पानम। पानम का मतलब होता है कभी भी कोई नस्ली वस्तु को मत लो, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम। भैया क्या कर रहे हो, तो बढ़िया
इसलिए क्या है बच्चों बढ़िया सबके चुपचाप, इसलिए कोई नस्ली वस्तु को नहीं लेनी चाहिए हैं, शराब गुटका ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। कहते धर्म का दूसरा चरण तपस्या, अगर ये चीज को कोई ग्रहण करे ना भैया तपस्या नहीं कर सकते हो। देखो ध्यान से, ये गांव में कोई शराब भराब पीते है ना क्या, कोई शराब पीते है गांव में, ये शराब को भैया मत लिया करो। देखो जो शराब पीते हैं, ध्यान देख रहे सुनो, जो शराब पीते हैं उनका तीन लाभ होता है। कितना लाभ है? अब लाभ, पहला लाभ वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा, वो पी पा करके तो आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। फिर बूढ़े किस चीज को होगा? कुछ दिन पहले मेरे पास में एक माता जी हरिनाम लेने के लिए आए थे, उसको करीब 30 साल होगा, दो छोटे बच्चे। मैंने पूछा इसके इनके पिताजी कहाँ गए? बोले मर गया। बोले कैसे? बोले पीते थे, दोनों लीवर ही खत्म हो गया, बचने का कोई सवाल नहीं था। इसलिए भैया ये शराब से दूर रहा करो, ठीक है। क्या दूसरा लाभ क्या है? बोले दूसरा लाभ है उसकी घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा? बोले घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी ना, वो तो जो कुछ होगा बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा, फिर चोरी किस चीज को होगी? उसके घर में चोरी नहीं होगी। बोले तीसरा चीज लाभ क्या है? बोले उसको कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले कैसे? बोले कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर के मुंह में पेशाब कर जाएंगे, इसलिए कुत्ता आ गया देखो। इसलिए भैया ये सब चीज से दारू खारुओं से दूर रहनी चाहिए, ठीक है ना। किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु मत लो, नशा तो एक हो, भगवान की भक्ति भगवान की प्रेम ही जीवन का एक नशा हो। मतलब जो तीसरी चीज है, मतलब ये कली का निवास स्त्रियों में, कहां पर कली का निवास? मतलब स्त्रियों में ये कली का निवास। मतलब भैया कौन सा स्त्रियों में ये कली का निवास है? मतलब संसार करो, शादी करके पति पत्नी मिल करके प्रभु की भजन करो, बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके घूम रहे हो। शास्त्र एकदम ये चीज को स्वीकार नहीं किया। अब भागवत पढ़ करके देखो, पंचम स्कंध में बताया जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री से मिलते हैं, मरने के बाद लोहे की स्त्री को गर्म करके एकदम आग उसको जोर जबरदस्ती आलिंगन कराते, इतने दंड उनको प्राप्त होता है। इसलिए घर गृहस्थी करो, शादी करके अपना पत्नी को साथ में अपना संसार करो, हैं? इसको पत्नी को साथ में संसार करनी चाहिए। इसको करने से वो व्यक्ति कभी पवित्र नहीं रह सकता है, धर्म का तीसरा चरण पवित्रता नष्ट हो जाएगी। चौथा जो कली का स्थान है कहते वो है सोन जीव हिंसा। जीव हिंसा का मतलब होता है जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, और ये प्याज लहसुन ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम होता है मांस। मांस मतलब क्या है? कहते मांग मतलब होता है मुझको, बोले सह मतलब होता है वह, मतलब अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में जो फिर तुमको खाएगा, इसलिए उसको अंग्रेजी में कहते मीट। मीट मतलब क्या? मी ईट, उसको उल्टा दो, ईट मी, ईट मी, मी ईट, ईट मी। इसलिए भागवत में कथा आती है कोई राजा था जो यज्ञ में जानवर को बलि देता था। नारद जी आए, बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ में पशु बलि दे रहे हो। बोले इसका परिणाम क्या जानते? बोले क्या है? दिखा दिया उनको, दिखा दिया पानी, इसके शरीर में पानी छिड़का था, शरीर छूट गया, और उसको जमदूत ले जा रहे थे, जितने जानवर को मारा था सब बोटी बोटी करके उसको टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे उसको, क्योंकि जो पाप है ना वो अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए ये जीव हिंसा को बड़ा पाप बताया, ये अंडा फंडा भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। ये सिर्फ महाभारत में कथा आती है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और गांधारी के 100 बेटे मारा गए, एक दिन गांधारी और धृतराष्ट्र कृष्ण को पूछे, बोले 100 बच्चों का मृत्यु क्यों देखना पड़ा? बोले पहले जन्म में तुमने 100 अंडा खाया था और एक एक अंडा में एक एक बच्चा है, तुमने अंडा नहीं, तुमने 100 बच्चों को तुमने खाई थी, इसलिए ये जीवन में तुम्हें ये पाप तुमको भोगना पड़ा है। इसलिए इस सब गंदी चीज से दूर रह करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कलयुग में हरिनाम ये दवा है और ये चार परहेज है।
अगर ये चार नियम का पालन करते हुए थोड़ी सी कोई भगवान की भजन करे तो बेड़ा हमारी पार हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं, कल श्री नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कल बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। आप लोग जितने माता हैं कौन सा रंग की साड़ी पहन कर आओगे? हेलो हैं कहते पीला रंग की, ठीक है। और अच्छे अच्छे कल भगवान जन्म लेने, हाँ प्रभु कल क्या भंडारा में क्या बन गया अभी बता देंगे आप। इसलिए कल भंडारा सभी के लिए, यहाँ प्रसाद की व्यवस्था और भगवान का कल जन्मोत्सव होगा, उसके बाद में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था। इसलिए देखो जितने माताएं हैं ना, मैंने बताया ना 10-10 भक्तों को बुला कर खिलाना। देखो माताओं को सबसे ज्यादा बड़ी चिंता है, कुछ माताएं बोल रही थी देर हो गया है, हमें पति गाली देगा। कल पति को भी लेकर खाना, कल संडे है ना, इसलिए संडे है, इतवार है, सब परिवार को लेकर खाना, क्योंकि यही तो प्रसाद है ना। हाँ यही पर प्रसाद, जब सबसे बड़ी चिंता माताओं की रहती है भोजन करना है ना, भूखे ना भजन होएगा गोपाल, कल तो सभी के लिए प्रसाद मिलेगा, इसलिए सबके परिवार को लेकर जाना कल धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कल भगवान सारे भगवान जन्म लेने वाले, राम भी कृष्ण भी बामन भी नरसिंह भगवान सब जन्म लेंगे कल, ठीक है। और थोड़ी सी भैया थोड़ी सी सजा देना, गुब्बारा गुब्बारा लगा करके, ठाकुर जी आ रहे हैं, थोड़ी सी गुब्बारा गुब्बारा लगा करके भगवान जन्म लेने वाले थोड़ा सजा देना। अभी प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, भजन में सबके सब नाच लो, खड़े खड़े हो जाओ, उसके बाद में सब प्रसाद लेकर सबके सब जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, ¡Gracias!
मुश्किल बने, दीवानी हिम्मत बने।